देख रहे हैं क्रेडिट पॉलिसी पर जी बिजनेस के सबसे बड़ी कवरेज। एक बड़ा पैनल दिन भर हमारे साथ मौजूद रहेगा आरबीआई पॉलिसी के एनालिसिस के लिए। लेकिन पॉलिसी से ठीक पहले मार्केट थोड़े से प्रेशर में है। 40 पॉइंट से ज्यादा की वीकनेस निफ्टी में देखी जा रही है। 130 पॉइंट नीचे अभी सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है। दिन के निचले स्तरों पर भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं और इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस जो कि बीते एक महीने में आरबीआई पॉलिसी के होप्स में काफी चला था वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आज के सेशन में हावी हुई है। राजीव सतपुते हमारे साथ मौजूद है, आशीष तातेड़ है, ऋषि शाह भी हमारे साथ बने हुए, मेरे सहयोगी मिहिर भी है। मिहिर, क्या एक्सपेक्टेशंस लग रही है, 25 बेसिस पॉइंट या फिर 50 बेसिस पॉइंट? पता नहीं, मतलब एक्चुअली 50 बेसिस पॉइंट इज व्हाट मार्केट वांट्स, लेकिन हो सकता है शायद 50 बेसिस पॉइंट ना हो, 25 बिप्स का कट हो। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ क्योंकि राजन थोड़ा अनकन्वेंशनल थिंकिंग रखते हैं, तो ये भी हो सकता है कि 50 बिप्स का सिंगल रेपो रेट कट देने की बजाय वो 25 बिप्स का रेपो रेट कट दें और साथ ही 25 बिप्स की रिलीफ CRR में दे दें, तो ये भी मार्केट के लिए कोई बुरी खबर नहीं होगी। जी बिल्कुल, इनफैक्ट ऋषि शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषि, गुड मॉर्निंग। एग्जैक्टली, इनफैक्ट जो मिहिर ने भी मेंशन किया, मार्केट्स तो हालांकि चाहते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट का कट आए, लेकिन जिस तरह के स्टैटिस्टिक्स बने हुए हैं, जिस तरह के डेवलपमेंट बॉन्ड यील्ड ट्रेंड पर हुई है, क्या इंडिकेशन मिल रहा है 25 बेसिस पॉइंट कट का या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है? देखिए, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमारा मानना भी यही है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का कट ही रहेगा। अभी मॉनसून के फ्रंट पे काफ़ी अनसर्टनिटी है, पे कमीशन अब जब लागू होगा उसका जो इफेक्ट होगा इन्फ्लेशन पे, उस पर थोड़ा सा जो है ये आरबीआई देखना चाहेगा कि कैसे वो प्ले आउट करता है। तो आप 25 बेसिस पॉइंट थोड़ा आप एक या दो महीने बाद भी दे सकते हैं, अभी 25 बेसिस पॉइंट देके आप थोड़ा सा वेट करना, मुझे लगता है कि ये स्टांस रहेगा आरबीआई का। जी बिल्कुल, चलिए इस बीच देखते हैं, पॉलिसी का ऐलान कुछ ही देर में हो जाएगा, करीब 11 बजे के आसपास पॉलिसी का ऐलान होगा। क्विकली, इससे पहले आशीष टाटेर भी हमारे साथ बने हुए हैं, राजेश सतपुते भी हैं। आशीष, आप कोई ट्रेडिंग आइडिया कीपिंग द पॉलिसी इन माइंड देना चाहेंगे इस समय? जी, ट्रेडिंग आइडिया थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप देखो तो हमारा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से हमें 25 इज अ सर्टेन विच इज ऑलरेडी बीन फैक्टेड इन, बट देर आर चैलेंजेस और हेडविंड्स। जो 50 बेसिस पॉइंट अगर देता भी है तो आई थिंक दैट विल बी पीक फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 2 मंथ्स। सो कहीं ना कहीं आप कॉम्बिनेशन में अज्यूम कर सकते हो कि दिस विल बी द हाइएस्ट इन द नेक्स्ट 2 RBI मीट, 50 बेसिस कट। और उसके रीजन है, अगर आप देखो तो वेजिटेबल इन्फ्लेशन हैज बीन बैक, आलू 22 रुपए हो चुका है, देर हैज बीन द वेजिटेबल दैट बास्केट दैट इज गोइंग अप ग्रेजुअली। इन्फ्लेशन कल जैसे डीजल के प्राइस हाइक हुए, ऑब्वियसली आरबीआई का आज का डिसीजन विल नॉट बी ऑन यस्टरडेज नाइट डिसीजन ऑफ पेट्रोल हाइक, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन वापस इकोनॉमी में हिट होते हुए दिख रही है। और मैं एक चीज जानता हूँ कि ये जो एंटायर प्रॉब्लम है ये लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, ना सिर्फ कि अगर आप 25 बेसिस से या 50 बेसिस कर दोगे तो आपके घर बिकने चालू हो जाएंगे, द प्रॉब्लम इज क्रिएशन ऑफ लिक्विडिटी। तो आरबीआई को वहाँ पे कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट फैक्टर लाना ही होगा, तो जो कि मतलब मार्केट में लिक्विडिटी और सेंटीमेंट्स और रुपया का रोलिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो लाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि दैट विल बी मोर पॉजिटिव, तो एक अच्छा पॉलिसी मेजर्स रेदर देन ओनली 25 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट पे फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। राजेश, कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप बना रहे हैं इंडेक्स पर या फिर प्रोबेबली बैंक्स पर या फिर पॉलिसी का वेट करेंगे? नहीं, देखिए दो चीज़ें, अगर प्योरली मैं टेक्निकल सेटअप देखता हूँ बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी जो अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही है, यानी 16,300 यानी 16,400 पकड़ के चलिए, और डाउनसाइड पे मुझे लगता है अगर पॉलिसी के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आता है वो 15,800 तक आता है, तो हार्डली यहाँ से 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर सकता है। इसके चलते बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी करना बहुत इट्स नॉट वेरी इजी टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, क्योंकि नैरो रेंज है। प्योरली मैं इनफैक्ट यही अवॉइड करूँगा बैंक एट द मोमेंट टिल द पॉलिसी अनाउंसमेंट, लेकिन मैं एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे डेफिनेटली देना चाहूंगा। HCLTech मुझे लगता है कि एक अच्छा पैटर्न दिखता है, HCLTech में कल अच्छी बाइंग हुई है, ओपन इंटरेस्ट भी अच्छे से बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि एक फॉलोअप बाइंग HCLTech में आनी बाकी है, और इसका जो टारगेट दिखता है 840-841 का करंट मार्केट प्राइस है कैश में, मुझे लगता है यहाँ से 25-30 रुपये और आने बाकी है, तो यू कैन से 870 का टारगेट लेके चलिए, एक स्टॉप लॉस 830 के आसपास आप मेंटेन करिए, और कल तक के लिए एक 30 रुपीज़ का अपसाइड मुझे यहाँ से दिखता है। बिल्कुल, चलिए इस बीच कुछ ही मिनटों में पॉलिसी का ऐलान होगा, इससे पहले हमारे साथ ऋषि शाह भी बने हुए हैं फ्रॉम डेलॉइट। ऋषि, नाउ यू नो लुकिंग एट द कंसर्न्स, अब एक अच्छी कमेंट्री ये भी है आरबीआई के लिए दैट इट इज एक्सपेक्टेड दैट द मॉनसून विल बी नॉर्मल और मे बी स्लाइटली अबव नॉर्मल, और ये दिस विल डेफिनेटली बी म्यूजिक टू हिज इयर्स, बिकॉज इससे पहले हमने देखा कि जो रबी क्रॉप था उसमें भी इट डिडंट प्ले आउट एज एक्सपेक्टेड, उसके बाद अनसीजनल रेन्स भी हो गए थे, लेकिन अगर वाकई नॉर्मल मॉनसून रहता है तो एटलीस्ट जो आरबीआई की आगे जाके कमेंट्री होगी फॉरवर्ड लुकिंग
वो बेटर और पॉजिटिव हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल, अभी जैसा देखने को मिल रहा है बट जो फर्स्ट फोरकास्ट है ये जनरली थोड़ा सा डाइसी होता है, तो इस पर इतना आप कॉन्फिडेंस के साथ इसके बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते। जो क्लोजर टू आप जो देखेंगे मई में जो फोरकास्ट आएगी उस पर ज़्यादा एम्फेसिस रहता है, और पिछले दो बार अब हमारे पास हमारा ड्रॉट लाइक सिचुएशन था, तो थर्ड टाइम इन अ रो थोड़ा अनलाइकली है, आरबीआई को ये भी पता होगा, लेकिन अगेन आप अगर देखेंगे तो ट्रांसमिशन पे ज़्यादा उनका एम्फेसिस रहेगा, क्योंकि ट्रांसमिशन अभी तक पुराने रेट कट्स का ही पूरा नहीं हुआ है। अभी आप इनका जो फॉर्मूला है, जैसे आप इन जो बोरिंग कॉस्ट जैसे कैलकुलेट करता है बैंक, वो भी चेंज कर रहे हैं, तो गिवन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स मुझे अभी भी यही लगता है कि आप एक कट दीजिए और आप एम्फेसाइज करिए कि ये वाले ट्रांसमिट हो जाए जो फाइनल बोरोअर है, और उसके बाद फिर आप आगे कट्स दे सकते हैं। सो अगेन दो तीन महीने में मुझे नहीं लगता इतना कुछ ज़्यादा मेजर फर्क पड़ जाएगा तो रेट कट्स के लिए, तो इसलिए मैक्सिमम इस टाइम पे हम 50 बेसिस पॉइंट्स का देख रहे हैं, तो 25 सीम्स टू बी द मोस्ट सॉर्ट ऑफ ऑब्वियस वे टू गो है। जी आशीष, इनफैक्ट ऋषि ने भी ट्रांसमिशन की बात की, आपके लिहाज से भी इम्पोर्टेंट क्या है? 25 बेसिस पॉइंट के कट के साथ साथ आरबीआई गवर्नर का जोर रहे कि ट्रांसमिशन तेजी से हो, क्योंकि जिस क्वांटम में अब तक कट आया है गवर्नर की ओर से उस क्वांटम में ट्रांसमिट हुआ नहीं है, तो एग्जैक्टली मार्केट के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? जी अब ट्रांसमिशन तो एनीवेज आपके मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग के हिसाब से डिपेंड करेगी, तो दे विल बी टोटल डिफरेंट। जो 31 मार्च तक होना था वो हो चुका है, अब जो भी होगा वो ट्रांसमिशन विल बी वेरी फास्ट एंड इट विल बी विजिबल, तो ट्रांसमिशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज ओनली कि आप कैसे रोटेशन बढ़ाए, द ग्रोथ फोकस हैज टू बी देयर। तो वो थ्रस्ट लाने के लिए आरबीआई को रेट कट के साथ लिक्विडिटी मेजर्स लेकर लिक्विडिटी बढ़ानी होगी सिस्टम में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर आर व्यू। बिल्कुल, चलिए तो दो मिनट बचे हैं और दो मिनट के भीतर पॉलिसी का ऐलान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इस समय राइट फ्रॉम बैंकिंग स्टॉक्स टू निफ्टी बैंक इन सबको अगर आप देखें तो थोड़ा सा रुझान जो है यहाँ पर डेफिनेटली एक एंटिसिपेशन का देखने को मिल रहा है, और 11 बजे इनफैक्ट डॉक्टर रघुराम राजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें वो जो पॉलिसी स्टेटमेंट है उसे रीड आउट करेंगे, तो कुछ ही देर में ये भी शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले मार्केट को अगर हम देखें, निफ्टी 44 पॉइंट्स नीचे है और 7700 के काफ़ी नज़दीक है इस समय, आरबीआई से कुछ फ्लैशेज आना शुरू हुआ है, हालांकि अभी रेट पर फ्लैश नहीं आए हैं, लेकिन कुछ ही देर में पॉलिसी का ऐलान होने जा रहा है। दीपाली जी बिल्कुल, और मार्केट्स डेफिनेटली पॉलिसी से ठीक पहले थोड़े से प्रेशर में भी बने हुए हैं। अभी भी अगर आप रियल स्टेट स्टॉक्स को देखें, ऑटो स्टॉक्स को देखें या फिर बैंकिंग स्टॉक्स को देखें, प्रेशर साफ दिख रहा है। लेकिन ऑटो पैक से एक क्विक कमेंट राजेश, में हीरो मोटो कॉर्प पर चाहूंगी, हालांकि पूरे ही इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस में थोड़ी सी कॉशियसनेस दिख रही है, लेकिन हीरो मोटो कॉर्प थोड़ा सा परफॉर्म कर रहा है, 3000 के लेवल्स के ऊपर आया और दिन के उच्चतम स्तरों पर भी है, एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी क्या है यहाँ? देखिए मुझे लगता है कि हीरो में स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम हम इसमें देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम जारी रहेगा। आज के लिए एक स्टॉप लॉस जो आज के दिन का लो है लाइक 2970 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और उसे होल्ड रखिए। अगर जैसे कि रेट कट की बातें हो रही है तो अगर ये फेवर में आता है तो डेफिनेटली इसमें जो अपथर्स्ट है वो कंटिन्यू हो जाएगा और यहाँ से और 150 रुपये मिल सकते हैं, तो वन कैन गो लॉन्ग, कीप योर डेज लो एज योर स्टॉप लॉस एंड होल्ड। बिल्कुल, चलिए तो अब इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, ऋषि लास्ट मिनट बेट कोई लेना चाहेंगे आप, 25 बिप्स और 50 बिप्स? I will stick to 25 basis points. Everyone is playing safe with Mr. Rajan, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, everyone plays safe because वो खुद consensus follow नहीं करते हैं, so when you are expecting 25 वो हो सकता है 50 कर दें, when you are expecting 50 वो हो सकता है ना भी करें, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स नाउ। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ही सेकंड्स बाद स्थिति क्लियर होगी कि एग्जैक्टली स्टांस क्या रहता है आरबीआई गवर्नर का। अब से कुछ ही सेकंड्स बाद आरबीआई गवर्नर की जो पॉलिसी है वो पेश होगी, हालांकि जो पोल है जी बिजनेस का वो इंडिकेट यही कर रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है, लेकिन कॉमेंट्री क्या होगी वो इस बीच पॉलिसी अनाउंस हुई है और जो पहला फ्लैश आया है उसमें रेपो रेट अब 6.5% पे रखा गया है, अभी तो 6 पॉइंट, तो 25 बेसिस पॉइंट का कट हुआ है, 25 बेसिस पॉइंट का कट हुआ है, 25 बेसिस पॉइंट का कट अब पहला यहाँ पर फ्लैश आते हुए, तो 25 बेसिस पॉइंट से आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसमें कटौती की है, तो आप इनफैक्ट जो बोल रही थी वही हुआ यहाँ पर, जो पोल था
अब ये 6.5% हुआ है एंड ऑब्वियसली इफेक्टिवली जो रिवर्स रेपो है वो भी कम है, लेकिन CRR जो है उसे कांस्टेंट रखा गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसे 4% रखा गया है। लेकिन जो एक बदलाव किया है कि जो मिनिमम डेली CRR रेशियो होता है उसे 90% पे कर दिया गया है फ्रॉम 95%, यानी जो डेली मिनिमम CRR रेशियो बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है, ये पहले 95% होता था, इसे अब काट के 90% कर दिया गया है। लेकिन ऑब्वियसली ये जो है वो कुछ हद तक जो लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी है उसे अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन डेली बेसिस पे जो CRR बैंक्स को मेंटेन करना होता है उसे 16 अप्रैल से अब ये 95 की जगह 90% हो जाएगा। साथ ही RBI ने ये भी कहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस होगा दैट विल रिमेन अकोमोडेटिव, लेकिन जो CPI इन्फ्लेशन है कुड बी हायर बाय अबाउट 100 to 150 basis points, जो कि बेसलाइन प्रोजेक्शन 2016-17 के लिए और साथ ही 17-18 के लिए है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पे हाइक्स एंड द कंज्यूमर प्राइजेस। तो ये RBI ने कहा है कि जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वो हो सकता है कि थोड़ा हायर हो, और इसी के साथ साथ जो जनवरी टू मार्च का क्वार्टर है 2018 का, इसके लिए जो प्रोडिक्शन है इनका वो 4.2% का है, जबकि जनवरी टू मार्च 2017 के लिए जो प्रोजेक्शन है वो 5.1% पे रखा गया है। और साथ ही ये भी कहा है कि जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स हैं ओवरनाइट कॉल मनी रेट के आधार पर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स को भी RBI ने अनुमति दे दी है। लेकिन कंज्यूमर के लिए अगर सबसे बड़ी खबर यहाँ पर देखी जाए तो वो यही है कि जो रेपो है उसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती RBI ने की है और ये अब घट के 6.5% हो गया है। आपका पहला रिएक्शन ऋषि? बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड, एक कॉशियस स्टांस उन्होंने लिया है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट में बैंक्स को थोड़ा सा ज़्यादा उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है बाय ब्रिंगिंग डाउन द डेली CRR रेट टू 90%। ओवरऑल अगेन अ प्रूडेंट पॉलिसी, दे क्लियरली सेड कि हम अभी भी अकोमोडेटिव हैं, तो आप ये नहीं कहना चाहिए कि आगे कोई रेट कट नहीं आएगा। लेकिन अगेन मॉनसून कैसे प्ले आउट करता है, आपका ये पे कमीशन के जो पे हाइक्स हैं वो कैसे प्ले आउट करेंगे, और पर्टिकुलरली CPI में जो इन्होंने पॉइंट बोला है, आप पिछला जो प्रिंट देखेंगे उसमें देखेंगे कोर इन्फ्लेशन जो होती है CPI में वो बढ़ी थी जबकि ओवरऑल इन्फ्लेशन नंबर नीचे आया था। तो RBI भी उसको देखते हुए उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देगा कि वो कोर इन्फ्लेशन कैसे मूव करता है। इसलिए मुझे लगता है कि आप अब देख सकते हैं अगले 2-3 महीने तक ये शायद पॉज रहेगा, और उसके बाद मॉनसून का जब इफेक्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा उसके बाद हो सकता है आपको एक और रेट कट मिल जाए, यानी मॉनसून के बाद एक और रेट कट आ सकता है। लेकिन ऋषि, जो इन्फ्लेशन को लेकर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि डीजल फ्यूल इन्फ्लेशन यहाँ पर एक रिस्क पोज कर सकती है, या फिर जो वेजिटेबल प्राइसेस है, पल्सर प्राइसेस है, इनको लेकर थोड़ा सा रिस्क नजर आ रहा है? देखिए डीजल में मुझे इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत स्कोप है, उन्होंने एक्साइज टैक्सेस लास्ट ईयर काफी बढ़ा दिए थे, एक वो एंगल आ जाता है। पल्सेस ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे थे, अब नीचे आ रहे हैं क्योंकि इंपोर्ट्स भी बहुत हुए हैं और प्रोडक्शन इस बार जैसे आएगी और इंपोर्ट्स शुरू से ही आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है पल्सेस इन्फ्लेशन इनफैक्ट लोअर ही आएगी, फूड इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत बेसलाइन प्रोजेक्शन से थोड़ा नीचे आ सकता है। बिल्कुल, चलिए इस बीच एक बार फिर से आपको बता दें कि जो रेपो रेट है उसे 25 बेसिस पॉइंट से कट किया गया है और ये 6.5% पर है, और साथ ही जो रिवर्स रेपो है उसे 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया है, यानी जो स्प्रेड है रेपो और रिवर्स रेपो के बीच का वो अब कम होकर 50 बेसिस पॉइंट का रह गया। लेकिन जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है उसके रेट को 75 बिप से कट किया गया है एंड दैट इज एट 7%। उशांक सेठ हमारे साथ सीधे RBI हेडक्वार्टर से मौजूद है। सो उशांक, आई थिंक जो फाइन प्रिंट है उसमें इंटरेस्टिंग चीज एक तो यह है कि जो डेली मिनिमम CRR रेशियो होता है उसे 95 से कट करके सीधा 90% किया गया है, और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है उसे 75 बिप से कट किया गया है, और साथ ही ये जो स्प्रेड है बिटवीन रेपो एंड रिवर्स रेपो वो अब कम होकर 50 बिप्स हो गया है। एब्सोल्युटली, सो CRR इज द मेन पॉइंट जहां पर आपने देखा है कि 95% का मेंटेनेंस को रिड्यूस करके 90% कर दिया है, तो इन डायरेक्टली यहां पर आप कह सकते हैं कि लिक्विडिटी को इंफ्यूज करने का एक तरीके से फर्स्ट स्टेप है, तो आगे जाकर पॉसिबिलिटीज भी दिखाई दे सकती है किसी तरीके का CRR कट आने का, बट एज ऑफ नाउ ये की पॉइंट रहता है। एज पर जैसे आपने कहा, ऑब्वियसली रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हुआ है, तो लुकिंग एट द करंट MCLR वाला जो न्यू कंसेप्ट अप्लाई हुआ है उसकी वजह से जो कंज्यूमर्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, बिकॉज जो लोन रेट्स के ऊपर वो लेते हैं उनमें थोड़ी बहुत और कटौती आगे दिखाई दे सकती है। बट इनफैक्ट जो प्रोस्पेक्टिव यू नो ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो कह रहा है इन टर्म्स ऑफ आगे का जो विजन है वो काफी हद तक पॉजिटिव रह रहा है लुकिंग एट द ग्लोबल एनवायरमेंट एंड ग्लोबल मैक्रोज।
बिल्कुल, लेकिन ये जो फाइन प्रिंट है उषांग, उसमें खासकर जो पॉलिसी स्टेटमेंट है उसमें क्या आपने आरबीआई की तरफ से कोई टिप्पणी देखी? बिकॉज जो बैंक है उन्होंने अभी भी पूरी तरह से रेट कट पास ऑन किया नहीं है कंज्यूमर्स को. जी हाँ बिल्कुल, पर ऐसा इस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट के अंदर तो क्लियरली कहीं मेंशन नहीं किया गया कि टोटल पासेज नहीं हुआ है. पर जहां तक जानकारी है, एज पर द एमसीएलआर जो नया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट अप्लाई किया गया है, उसकी वजह से करीबन और 10 से 15 बेसिस पॉइंट यू नो एडिशनल रेट कट का बेनिफिट पास ऑन होने की काफी ज्यादा आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. तो ये जो अप्रैल 1st से लागू हुआ है, जहां पर सारी बैंकों ने अपने रेट में चेंजेस किए थे, तो इमीडिएट यू नो बफर दिखाई पड़ रहा था, इमीडिएट इंपैक्ट वहां पर दिखाई पड़ रहा था. और ये जो अभी 25 बेसिस पॉइंट यू नो डिडक्शन हुआ है रेपो रेट के अंदर, उसका भी इम्प्लीकेशन यू नो गोइंग फॉरवर्ड इमीडिएटली बैंक अपने रेट के अंदर यू नो मिटिगेट करेंगे, जिसकी वजह से इम्पैक्ट हमें सूनर और लेटर मतलब जल्दी ही दिखाई पड़ सकता है. जी जी, इनफैक्ट इस बीच अगर मार्केट्स को देखें तो इन पॉलिसी अनाउंसमेंट की बात करी 47 पॉइंट्स नीचे निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रहा है. आशीष, 25 बेसिस पॉइंट का कट हुआ है रेपो रेट में प्रोजेक्शंस के लिहाज से, शायद इसीलिए मार्केट में उतना खास रिएक्शन देखा नहीं जा रहा है. जो स्टेटमेंट्स अब तक आ रहे हैं उसको देखते हुए क्या लगता है? जी, जैसे मैंने कहा कि द फोकस विल बी ऑन लिक्विडिटी, और आरबीआई गवर्नर को जितना मैं समझता हूँ उस हिसाब से उन्होंने वही काम किया जो कि मार्केट के हित में है. इनफैक्ट रियल मार्केट के हित में, ना कि शेयर मार्केट के हित में. इससे लिक्विडिटी डेफिनेटली इंप्रूव होते हुए, थोड़ी इंप्रूव होते हुए दिखेगी, एंड देयर आर प्रोविजंस फॉर फर्दर रेट कट इवन फॉर द नेक्स्ट मीट विच इज इन June 7th. तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि दिस हैज़ बीन अ गुड पॉलिसी अबव वॉट वी एक्सपेक्टेड, एज वी एक्सपेक्टेड, एंड लिक्विडिटी मेजर को किसी तरह टैप आउट करने की कोशिश की है. तो दैट हैज बीन अ वेरी गुड पॉजिटिव फ्रॉम आरबीआई, और बहुत तारीफ करना चाहूंगा वापस रघुराम राजन की कि उन्होंने बहुत वेरियस एंगल्स को मद्देनजर उन्होंने ये पर्टिकुलर स्टेप लिया. जी हाँ बिल्कुल. चलिए इस बीच मार्केट का रिएक्शन एक बार देख लेते हैं ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस, बिकॉज जो पॉलिसी है वो भी एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही आई है. तो जो निफ्टी है वो इस समय करीब 38 पॉइंट्स नीचे 7721 पर इस समय ट्रेड करते हुए. लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये जो डेली का CRR रिक्वायरमेंट है, ऋषि, इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दैट हैज़ बिन रिड्यूस्ड फ्रॉम 95% to 90%. इससे वाकई कोई फर्क पड़ता आप देख रहे हैं क्या? हाँ जी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मैंने कहा, वो जो एक बैंक की ALM मैनेजमेंट होता है ऑन अ डेली बेसिस, आपको एंड में कितना कैश रखना है, वहाँ पे आपको बस थोड़ा ईजिंग हो जाती है, बिकॉज आप बाद में थोड़ा एक्स्ट्रा रख के आप अपना एवरेज रेट 100% कर सकते हैं. शुरू में भी ये जो 5% और का जो गिव वे मिला है RBI की तरफ से, इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है. तो इसलिए बैंक की जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, अगेन दैट विल कम डाउन. अगर आप सारे स्टेप्स देखें तो बैंक्स की कॉस्ट ऑफ फंड्स विल कम डाउन बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, एंड दैट शुड गेट रिफ्लेक्टेड ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स फॉर इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग रेट्स ऑल्सो. बिल्कुल. इस बीच आप सीधे इस समय RBI हेडक्वार्टर से डॉक्टर रघुराम राजन को इस समय देख रहे हैं, जो कुछ ही देर में अपना पॉलिसी स्टेटमेंट शुरू करेंगे. सो लेट्स हियर व्हाट ही हैज टू से. गुड मॉर्निंग. After reviewing the economic outlook and prospects, the Reserve Bank of India cut the policy rate by a further 25 basis points. This means we have cut interest rates by a total of 150 basis points since the beginning of the accommodative cycle. Our attention in recent months has turned to seeing that this large quantum of rate cuts is passed through into borrowing rates. The introduction of the marginal cost lending rate, the MCLR, since April 1st will help. Our first estimate from the 26 largest banks in the system, accounting for about 83% of activity, has been that since the last week of March, the median overnight MCLR is down by 50 basis points from the base rate and is down by 25 basis points across all tenures. This is important because it means an actual rate cut to the borrower of a further 25 to 50 basis points at least, even before today's rate cut. Put differently, policy action is significantly greater today than just another 25 basis point cut. Borrowing is now significantly cheaper and will continue to get so. To further this process, a major focus of this policy has been to address liquidity issues. After a detailed review and internal discussions, we've brought in significant refinements to our framework, including
clearer differentiation between the durable liquidity needs of the system and short-term liquidity needs, indicated an intent to move closer to neutral on overall durable liquidity needs, reduced the MSF rate by 75 basis points, and increased the rate at which banks can deposit at the RBI by 25 basis points so as to narrow the interest rate corridor, reduced the minimum daily maintenance of CRR to 90%. All these measures, along with the government's actions on small savings rates, should also help continue the process of transmission. In addition to further durable liquidity provision, we have announced an open market operation, a purchase of government securities of 15,000 crores today. The monetary policy stance remains accommodative. Going forward, we will be looking for further monetary room in signs of good monsoon, further readings of low headline inflation, indications of softening in core inflation, and further evidence of transmission of rate cuts. Part B of this policy statement also has a number of reform measures, including continuing opening up of the banking sector, new market instruments such as money market futures, broadening participation in and easing access to markets, such as allowing retail customers the ability to trade G-Secs and to undertake foreign exchange trades, and strengthening financial inclusion through measures such as improving the business correspondent network. Moreover, in the weeks to come, you will see a fulfillment of our past announcements, including the release of guidelines for on-tap licensing of universal banks, the start of the trading platform for priority sector lending certificates, and the introduction of mobile-to-mobile transfers to the universal payment interface by NPCL. Finally, the process of cleaning up bank balance sheets is well underway, and I'm happy with the progress made thus far. My colleagues and I will now take questions. This is Supriya Shineet from ET Now. Great to be here at your turf. But I must ask you the first question on liquidity boosting measures. A lot of people believe that you are moving beyond interest rates to do your bit for boosting growth. And there is a change in stance from the RBI. The RBI has always, in its own wisdom, believed there should be a liquidity deficit. You're talking about that being reduced to zero. Is this a conscious effort to change the stance that has been over all these years? And how worried are you about the pay panel recommendations? Because you're talking about 100 to 150 basis points impact eventually when that does roll in. Yeah. On the first issue, which is the liquidity measures, a lot of our activity on the monetary policy front is driven by the Urjit Patel Committee report, which laid out both a change in the monetary framework as well as a change in how we deal with liquidity. Now, given the various measures that have been taken to fix the policy rate at close to the repo rate through these overnight instruments, the need to maintain the system in liquidity deficit no longer is there. Therefore, on a review of how far we had come with these overnight instruments, we decided that it was no longer necessary to maintain that significant liquidity deficit. We could move towards a more neutral position, which is what was announced today. On the issue of the 150 basis points in the Urjit, would you like to comment on that? Thank you. Yeah, the number in the MPR of 100 to 150 basis point direct impact of the seventh pay commission on the headline inflation is, of course, a projection and an estimate and a mechanical exercise, essentially on account of the adjustments in the HRA that will take place eventually at both the central government level and at the state government level. We will refine those projections as more details emerge. The thing to notice is that most likely the impact of the seventh pay commission on the headline inflation will be considerably less than in the previous pay commission. And I think even from the fifth pay commission, because there are going to be no arrears. And therefore the overall impact would be most likely much less
than on account of the previous pay commissions. But that number is essentially on account of changes in housing HRA, and given the weight of housing in the CPI combined, it's noteworthy that in previous editions, the impact was felt on the CPI industrial workers, where the weight of housing was larger. It was 15.3%, and now it's about 10%. So that's the background to that projection, which may undergo change as we get more information on both the rollout and the timing. Thank you. Morning, Governor. Lata Venkatesh from CNBC TV 18. Now you put on your Santa Claus hat for liquidity. How quickly do you expect the system to get into balance or near neutrality? Also, when you say near neutrality, would it be habitually a minor deficit, or would it be minor deficit, minor surplus? Therefore, would you be okay if call rate on certain days is below the repo rate? What would be the habitual behavior of the RBI? What is the corridor it will move in? Right. If I can add the inflation question as well, as my colleague asked you, this 150 basis points is not factored into your 5% inflation on Jan 17th. Is it factored into the MPR's 4.2% inflation in January 18? It is not. So if it is factored in, we are looking at a very different number. Then what happens to your word accommodation? How much of the 150 could be durable? Is there any estimate? First, on your question on liquidity, the truth is that the durable liquidity status of the economy will not affect how close the day-to-day call money rate is to the policy rate. That is determined by our short-term measures. That will continue to be determined by our short-term measures. And we hope to hug the policy rate as far as possible, with the call money rate to hug the policy rate. The whether we go into a little bit of surplus, little bit of deficit, I think that now is actually immaterial. The point is that we're moving towards that. The period over which we move depends to some extent on market conditions, depends on the flows that we that come in. Remember, net foreign assets is part of the liquidity move. So we have to work it out. We have to see how this move takes place. All it means an additional, moving from a 1% deficit to about neutral, means an additional removal of deficit by about 80,000 to 90,000 crores. So we have to see how much the system can take. That is something we have to figure out. That's precisely why. I'll tell you why. Because it has not been at 90,000 crore. Your deficit has been 1.5 lakh, 2.5 lakh crore. You may argue it's not enduring or durable, but the reality is, for the banks, so it has been 2.5 lakh. There crore. Are a couple of new, shall we say, sources of deficit that we have to look at and see how permanent they are. One is government balances have increased on average over the year. And second is, most recently, cash with the public has increased quite a bit. We have to figure out. It's about 50,000 crores in excess, 50 to 60,000 crores in excess from what we were estimating. We have to see how this plays out. So it would be, I think, premature to give you a sense of how long it will take us. We're not talking quarters. We're talking a year or two. The question is whether it's a year or whether it's 2 years by which time we get into neutrality. The 150 basis points again. You want another crack at it, or shall I take it? No, it's correct that neither the March 17 number nor the March 18 number, and the MPR makes it very clear, does not include the impact of the pay commission. To what extent this is durable, we have given an estimate of the indirect effects, which are about 40 basis points. What is mechanical and just an index adjustment, most likely we would look through. What is impermanent and causes externality for the rest of the CPI, we will have to imbibe that in our projections. We have not done that exercise yet, in part because there is a fair bit of uncertainty
on how this is going to evolve. So first, the government has to come out with what actually is going to implement and when. Second, as DG said, it depends on what the second round effects are. If the second round effects are small, we can look through a level shift because it will return to the older levels later. If the second round effects are thought to be larger, we'll have to take action. By the way, on the liquidity move, there is a liquidity move anyway because we have to increase durable liquidity on a regular basis. So we will be injecting durable liquidity anyway. The question is, not only do we have to make that up, but we also have to make up the liquidity deficit. So how long we will take to make up that liquidity deficit, the additional margin, is the response I was giving to you. Pradeep Pandya, CNBC Awaaz or CNBC Bajar se. So, pehla sawal, to apne jo MSF mein cut kiya hai, bachaye CRR ya repo rate mein aur deep cut, yani repo mein aur deep cut karne ke ya CRR mein ek chhoot dene ke, jo ki kafi log ummeed kar rahe the, to kya ye utna hi kargar hoga ya zyada kargar hoga, aapko lagta hai kis tarah se darasal madad milegi, kyunki MSF pe bahut zyada banks paise nahi utha rahe hain, to jo bazaar ki ummeed thi wo kahan tak puri hogi, aur dusra jo aapne baat kahi ki cash kafi zyada public ke haath mein aa raha hai, jaise ki aankde aapke samne aaye hain, iske piche aap kya reason dekhte hain, kya black money aapko badhti hui nazar aa rahi hai, jaise ki panama papers se fir se samne aaya hai, kya aap usko bhi pursue kar rahe hain, isi context mein aap dekh rahe hain iske? So on the first question, has the rate cut been enough? We think it is what is sensible given the uncertainties surrounding the economy right now. But I think what was important to focus on is what I started with, that because of the MCLR, we actually already have a rate cut of 25 basis points to 50 basis points before the policy. And as this winds its way through the MCLR, over the next few months, you'll have more of a rate cut. So don't look at it as 25 basis points. Look at the composite of measures. They all add up. And borrowing rates are coming down significantly in this economy. The effects of the liquidity measures will also help. Will also help transmission, because banks have continuously been saying it's because of liquidity tightness that we can't transmit. Now we've given them enough liquidity, they have the ability to transmit even more. So my hope is we will see significantly more transmission in the next few months, and we have to be careful therefore that we are doing what is appropriate given the state of the economy. On the reasons for excess cash, we're trying to understand it. We see some possibility of, around election time, cash with the public does increase. You can guess as to reasons why. We also guess. And you see some, not just in the state which is going for elections, but also in neighboring states. So there's something there. We need to understand it better. But it is about 50 to 60,000 crores more than we anticipated at this time of year. On Panama? We are obviously part of the investigative team that is going to look into these matters. It is important to note that there are legitimate reasons also to have accounts outside. The LRS scheme allows you to take money out. We have to see what is legitimate and what is not legitimate, but that's a process of investigation that will take place. Two questions. In the Urjit Patel committee, there is a phase one and there is a phase two with respect to the liquidity framework as well. So have we moved to phase two? Do you look at the 14-day repo now, or will we move to the phase two very quickly? And my second question is on the banking side. So in schemes like SDR, so banks invoke SDR and then take over the companies, and then they probably look for solutions outside SDR. Is that even allowed, or is it violating the spirit of the SDR scheme? No, let me start with the second question, SDR itself, that we have been reviewing the SDR, and we offered some revised sort of suggestions to the banks. What's important is that they take over a company when they think that genuinely management change can make a difference.
But then when you take over, there's no point leaving control in the hands of the original guys while you're looking for a buyer, because that puts the company at risk during that period. So we've asked the banks to take action as soon as they invoke the SDR rather than wait. And some other measures that that have been suggested by a review of the SDR mechanism. We are seeing more buyers come into the system, but a full-fledged operation of an SDR, I think we are yet to see. So as and when that happens, we will have we will look at that and take more lessons from this process. On the issue of phase two, I don't remember phase two of the Urjit Patel committee report. So we are still in phase one, to give you a direct answer. What the changes that we have brought in today is a move towards creating the enabling conditions to move to phase two, where the 14-day repo becomes the operating target. इस बीच आप देखिए पॉलिसी के बाद मार्केट्स का एक इमीडिएट रिएक्शन था. मार्केट्स डेलो पे आया. निफ्टी एक बार फिर से डेलो की तरफ 96 अंक नीचे 7661 पर रहा. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लेवल जो पॉलिसी की बात था या फिर पॉलिसी से पहले था, याद रखिए, वो था 7650. लेकिन देखिए इस पॉलिसी में जो महत्वपूर्ण बातें हुई आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन मोटा मोटी अगर आप देखें, आपने प्रिंसिपल प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, मैं एक बात ही कह सकता हूं कि उन्होंने अपने लिए वक्त बाय किया है काफी ज्यादा, मिस्टर राजन ने, इस पॉलिसी के जरिए. एक चीज ये कि आपने एक तो रेट कटौती करी, आपने सीआरआर के में भी कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं. मेरे साथ पैनल है, इनफैक्ट मैं पैनल से यही पूछना चाहूंगा. मेरे साथ अजय बग्गा जी हैं, मेरे साथ ऋषि हैं, साथ ही साथ आशीष भी हैं. अजय, पहले आपसे प्रश्न होगा ये, आई थिंक इन सर्कमस्टेंसेस में, जैसे कि मिस्टर राजन कह भी रहे थे कि आप कंपोजिट ऑफ मेजर्स को देखिए, आप देखिए हमने रेट कट भी किया यहाँ पर, हमने ये भी क्या कहा है कि अभी जो सातवें वेतन आयोग का पैसा आएगा लोगों के पास, उसके चलते इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, सर्विसेज काफ़ी महंगी हो जाएंगी, मुझे वो पीरियड भी देखना है, मुझे मानसून भी देखना है. और याद रखिए, मैंने लिक्विडिटी को एड्रेस करके बैंकों के पास एक कहीं ना कहीं जरिया रख दिया है कि आप ब्याज दरों का जो कटौती का ट्रांसमिशन का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाइए. कुल मिला के इस पॉलिसी से हम क्या कहें, आई मीन आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देंगे आप इसको? देखिए, जैसे उनकी सिचुएशन है वीरेन, उसमें तो आपको 10/10 देने पड़ेंगे, बट मार्केट आगे भाग गया था. मार्केट ने 0.25 ऑलरेडी बेकिंग किया हुआ था, और हम कहते रहे आपके चैनल पे कि मार्केट गिरेगा पॉलिसी के बाद अगर 25 पैसे का रेट हाइक आएगा. दो दिन पहले भी हमारी बातचीत हुई थी आपके शो में कि 25 पैसे पे मार्केट गिरता है, 50 पैसे पे मार्केट ऊपर उठेगा. तो ये राजन साहब को इसमें ब्लेम नहीं दे सकते हैं. जैसे आपने भी कहा, मॉनसून का कोई कह नहीं सकता है. अभी जो आंकड़े आ रहे हैं कोरिया और जापान के मेट डिपार्टमेंट से, लगता है नॉर्मल मॉनसून है, बट हमारा मेट डिपार्टमेंट अप्रैल 30 तक पहला रुझान देगा, और फिर जून तक आप कह सकते हैं कि मॉनसून ठीक है कि नहीं. तो कोई भी गवर्नर ऐसे माहौल में रेट ज्यादा नहीं काट सकते थे. उनका अब फोकस रहेगा कि बैंक्स को ये ट्रांसमिट करने पे फोर्स करें. अगर आप देखें वीरेन, 125 बेसिस पॉइंट के रेट कट हुए पिछले 5 क्वार्टर्स में, और बैंक्स ने केवल 70 बेसिस पॉइंट लेंडिंग रेट घटाए, डिपॉजिट रेट 118 बेसिस पॉइंट घटे. तो डिपॉजिट तो उन्होंने काट दिए रेट, बट लेंडिंग में नहीं काटे. अब 25 पैसा और आ गया है, तो बैंक्स के पास 80 बेसिस पॉइंट घटाने का एक जरिया है उपलब्ध आज के दिन में भी, जो वो नहीं कर रहे. अब आरबीआई को उसी पे फोकस करना पड़ेगा. अजय, एक बात आप ये कह रहे हैं कि जैसे कि आपने कहा विद दिस 25 बेसिस पॉइंट कट, अगर 80 बेसिस पॉइंट कट का और अभी स्कोप है, और जैसे कि मिस्टर गवर्नर ने लास्ट वर्ड में अपने यही कहा था कि भाई हम लिक्विडिटी को एड्रेस करके, लिक्विडिटी को अगर आप देखें और अच्छा बना के हम, और इनफैक्ट ये बात तो अगर आप देखें भी कुछ देर पहले मिस्टर राजन ने कही भी थी कि जो पनामा लीक्स में जो इनफैक्ट खुलासे हुए हैं, और इसके बाद जो जांच होगी, आरबीआई की जो टीम भी है उस जांच का एक हिस्सा होगी. ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें बड़ी खबर है. खैर, मैं अजय आपके पास आऊँगा. आपने जो 80 बेसिस पॉइंट के अगर आप देखें, इस बीच हमारे साथ HDFC से मिस्टर के मिस्त्री जुड़े हैं बात करने के लिए. आफ्टर पॉलिसी मिस्टर मिस्त्री, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है सर आपका. 25 बेसिस पॉइंट का सर कट, आई थिंक इन सर्कमस्टेंसेज में, जो सर्कमस्टेंसेज थे सर, अभी हमें मानसून भी देखना है, हमारे प्रीवियस 125 बेसिस पॉइंट के कट और इस 25 बेसिस पॉइंट के कट के साथ, आई थिंक द बेस्ट जो मिस्टर गवर्नर कर सकते थे इन सर्कमस्टेंसेज में, क्या वही किया उन्होंने? मेरे हिसाब से चॉइस वाज आइदर 25 points, or there was a small chance of a 50 basis points cut. But I think 25 would probably have been more
accepted, more acceptable, given the fact that we still do not know how the monsoons are going to pan out. So I guess 25 basis points cut now, and maybe there is room to do one more rate cut in the next 2-3 months or whenever. Once we get a sense of where the monsoons are, I think the governor will have the ability to do another 0.25% cut. जी मिस्टर बिस्तरी, लेकिन जो लैंग्वेज है मिस्टर गवर्नर की वो अकोमोडेटिव स्टांस उन्होंने मेंटेन किया हो और साफ साफ ये कहा है कि जरूरत पड़ी तो आगे भी और रेट कट आ सकते हैं. हालांकि इंडिकेशन ये दी है कि सातवें वेतन आयोग की क्या इम्प्लीकेशंस होंगी उसको भी वो ध्यान में रखेंगे और मानसून के फिगर्स कैसे आते हैं उस पर भी उनका नजर रहेगी. तो ऐसे में अब सवाल यह है कि 25 बेसिस पॉइंट का कट तो आ गया, अब जो रुझान होगा रिमेनिंग कैलेंडर के लिए वो क्या रह सकता है मिस्टर गवर्नर का? देखिए शुरू में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मेरे हिसाब से 50-75 बेसिस पॉइंट्स रिडक्शन साल में हो सकता था. वी हैव टू लुक एट 125 बेसिस पॉइंट्स रिडक्शन मेड लास्ट ईयर. टू दैट वी हैव टू ऐड द 50 or 75 दैट इज डन इन द करंट ईयर. सो यू आर लुकिंग एट 175-200 बेसिस पॉइंट्स रिडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, सो व्हिच इज अ रीजनेबली substantial amount of reduction that has taken place. Also, you have to look at it in the light of the MCLR, the new lending regime, marginal cost of funding regime. So that will also have the effect of faster transmission of monetary policy decisions into the system, coupled with the fact that the small savings rates have been reduced. And because small saving rates have been reduced, competition for deposits for banks has come down, and therefore banks will be in a better position to reduce their deposit rates, which will have the effect of reducing their cost of funds further, and that if the marginal cost comes down, banks will have the ability to lower lending rates for the next year. Your point taken, sir. You have said that marginal cost wale formula ke sath hum agar aage badhe to ye badh rahe hain to transmission process definitely fast hogi. Lekin sir, अभी जो मिस्टर राजन ने कहा एक बात कही जिसमें मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा, उन्होंने कहा कि अभी तक बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो थे वो लिक्विडिटी को लेकर बहुत कंफर्टेबल नहीं थे और शायद उनकी तरफ से जो ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस था वो बहुत बहुत पेसी नहीं था इसी कारण था. और जब हम अब लिक्विडिटी को अगर आप देखें एड्रेस कर रहे हैं तो वो ये मान के चलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो और थोड़ी सी पेसी होगी. इस पर आपका आउटलुक क्या है सर? नहीं डेफिनेटली आप देखने गए तो लास्ट 2 months अभी रिसेंटली last 7-10 days maybe liquidity position has got a lot better. But aap agar February or half of March if you were to look at, liquidity was very tight in the system. We saw that bond rates were high, CP rates were high. So that it was important that the liquidity position in the system be eased, and that is what the finance minister the RBI governor has now said. That will give banks greater ability to lower their deposit rates and to bring down their cost of funding, which will reflect in the marginal cost. सर मैं ये मान के चलूँ अगर आई मीन जो सर्कमस्टेंसेस है और जो ट्रांसमिशन प्रोसेस है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, आई मीन HDFC itself या फिर और जो आई मीन NBFCs हैं या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं अभी अगले 6 महीने में सर या फिर आज के ही इस इवेंट के बाद कितने कट्स की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है और आपको 6 महीने में सर जो ये हाउसिंग फाइनेंस रेट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली उनमें कितना बेसिस पॉइंट का कट पॉसिबल लग रहा है सर? तो कहना मुश्किल है बिकॉज़ 25 बट इफ लिक्विडिटी इंप्रूव्स इन द सिस्टम देन डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ फंडिंग विल कम डाउन. इफ कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम्स डाउन तो देयर इज अ फार्मूला, तो फार्मूला के हिसाब से इफ कॉस्ट कम्स डाउन द बेनिफिट गोज टू द कस्टमर स्ट्रेट अवे. लेकिन आपको लगता है कि सर अगले डाउन द लाइन 1-2 महीने में पॉसिबिलिटी काफी बन रही है 20-30 या फिर एटलीस्ट 15 बेसिस पॉइंट के कट की पॉसिबिलिटी डिस्टिंक्टली है? ओके मिस्टर बिस्तरी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी बातचीत के लिए. उन्होंने कहा कि देखिए लिक्विडिटी की परिस्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन हाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि रेट कट्स हों अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और या फिर डिस्पर्समेंट रेट्स जो हैं वो थोड़े से कम हो. इस बीच अगर आप देखें निफ्टी आपके स्क्रीन पे 7674 अब तक, अगर आप प्लीज इंट्रोडे चार्ट्स पे आइए एक बार जरा, निफ्टी ने क्या होल्ड किया है, निफ्टी ने क्रिटिकल लेवल, निफ्टी ने एक साइकोलॉजिकल लेवल होल्ड किया है और वो है 7650, अब तक कम से कम वो नहीं टूटा है. ऋषि अब मैं एक चीज आता हूँ आपके पास, आई थिंक अभी हमने बात करी है मेन पॉलिसी को लेकर, आप ये देखिए मिस्टर अभी बग्गा ने जो बात कही थी कि फर्दर चांसेस ऑफ 80 बेसिस पॉइंट कट इन रेट्स, एग्जैक्टली ये जो 80 बेसिस पॉइंट का स्कोप मिस्टर बग्गा ने जो कहा ये आपको क्या लगता है? आई मीन आपका ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, अगर मुझको इस 80 बेसिस पॉइंट कट जिसको मिस्टर बग्गा तलाश रहे हैं और जिसको मैं भी समझता हूँ हाँ स्कोप है, अगर प्लेस करना हो पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में, फर्स्ट क्वार्टर में कितना, सेकेंड क्वार्टर में कितना, थर्ड क्वार्टर में कितना या फिर फोर्थ क्वार्टर में कितना, आप कैसे प्लेस करेंगे एग्जैक्टली?
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो जैसे MCLR वाला जो आपका जो फॉर्मूला है उसका कैसे कैसे इफेक्ट ना पाएगा, कॉस्ट ऑफ फंडिंग कैसे चेंज होगी विद ऑल दीज लिक्विडिटी मेजर्स, उस पर डिपेंड करेगा कि ये 80 एक लिमिट की आप बात कर रहे हैं कि ये मैक्सिमम लिमिट है जो आप 80 पास ऑन कर सकते हैं. इसमें मुझे लगता है इमीडिएटली ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स आप 2 महीने के अंदर आप देख सकते हैं अराउंड 15-20 बेसिस पॉइंट कट मतलब आपके लेंडिंग रेट्स में आ सकता है उसके आगे आने. एंड दूसरा ये सर पैराग्राफ नंबर 26 में जो आपने लिखा है बैंकिंग स्ट्रक्चर में एनहांसिंग क्रेडिट सप्लाई थ्रू मार्केट मैकेनिज्म फॉर द लार्ज एक्सपोजर्स, सो सर इसका लार्ज एक्सपोजर का सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगा एंड व्हाट अबाउट द स्मॉल एक्सपोजर्स? ओके, लेट मी आस्क अबाउट द लार्ज एक्सपोजर टू मिस्टर गांधी. There, I don't want to take specific names into account, but there is cooperation amongst the investigative agencies and the RBI. It is important that this kind of investigation not be done through the press. And I think when people release letters that they've issued here and there and so on, I think it does tend to create an environment which is not conducive to investigation. What we must look at in all these situations is what were the conditions under those circumstances? Were the loans given by the banks in the spirit, given the information that was known then? And be careful about hindsight being 2020. I'll give you an example. Today we know certain sectors in the economy are weak. But there's always a statement that they will strengthen. It is a temporary weakness. Now, if banks give loans under these circumstances, if there is some forbearance that takes place, it doesn't immediately imply that there was venality, there was corruption, that this is a bad action. Okay? So one has to be very careful if 3 years from now these sectors turn out to be even worse or tend to have collapsed, that the action that was taken to support the sector at that time should not be seen with the 2020 hindsight that comes. You have to look to see whether reasonable precautions were taken, whether reasonable judgments were made, that what a prudent man would do under those circumstances. So again and again, both the finance minister and I have said that it is important that we investigate to see the mistakes as well as criminal action, criminal activity that may have taken place, but do it based on judgments that would have had to be made at that time. And don't use, you know, today's thinking and today's information to guess at that. Otherwise, you will chill bank lending and you will make sure that we really don't get any risk-taking in this economy by entrepreneurs or by the bankers. We need both in order to get economic growth. So that care has to be taken. What was the second question? Sorry. Large exposure is always measured in terms of the bank's financials, basically with reference to its capital. So in the discussion paper, we will be trying more in detail. तो आपने सुना यहाँ पर अमोल देखे के सवाल पर आरबीआई गवर्नर का जवाब. हमारे साथ एक बड़ा पैनल लगातार बना हुआ है. ऋषि शाह हमारे साथ हैं, अजय बग्गा हैं और आशीष तातेड़ हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थे उसी हिसाब से कटा है. और इनफैक्ट हमारे साथ अब डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन भी मौजूद हैं. अनंथा, गुड मॉर्निंग. आरबीआई हैज कट रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट एंड एज एक्सपेक्टेड आरबीआई हैज सेड दैट इट वुड मेंटेन एन अकोमोडेटिव स्टांस ऑन मॉनेटरी पॉलिसी. व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन? I think this is in line with my expectations. I had written in my mint column this morning that 25 basis points would be par for the course. And the fact that RBI has stressed in 2 places that monetary policy remains accommodative is an indication that as long as inflation behavior tends to be in line with the expectations, there could be another rate cut of 25 basis points or even 2. So I think this is in line with what I would have done too. So I have no surprises and no criticisms of this decision. But Ananta, for the rest of the year, I mean, what is the expectation of further rate cuts by RBI? I mean, considering the current outlook of their current outlook pertaining the monsoon and pertaining the CPI figures? Yeah, I think, you know, look, all central banks are
perpetually data dependent, and especially since we are looking at the possibility of third consecutive monsoon worries, I hope that doesn't happen. And the statistically, the models say that we will have a better monsoon. So if those things happen, then yes. See, ultimately, this central bank under Dr. Raghuram Rajan has invested a lot of effort in creating inflation credibility that has been damaged in the last several years. So therefore, on balance, one would expect them to move gradually, at the same time ensuring that the rate cuts that have been made already reach the borrowers. So I think this combination of behavior, gradually the decreases in rates depending on data, and improving the transmission mechanism together constitute a durable and viable monetary policy in my view. इस पे चाहिए देखते हैं कि इंडस्ट्री बॉडीज का, अगर आप देखें उद्योग जगत का क्या मानना है इस पॉलिसी को लेकर. सीआई से सुमित मजुमदार, आइए सोचते हैं, आइए क्या मानते हैं अगर आप देखें इस पॉलिसी को लेकर और इस 25 बेसिस पॉइंट की कट से वो कितने खुश हैं, ये सुनते देखते हैं. डिसीजन है, इंडस्ट्री काफ़ी उम्मीद कर रही थी किस तरीके से इस मूव को देख रहे और आने वाले टाइम में कितना फायदा होने जा रहा है. देखिए, इंटरेस्ट रेट कम कर लिए इंडस्ट्री ऑलवेज मांगेगा, मगर वो कितना कम कर सकता नहीं कर सकता वो तो आरबीआई को सोचना पड़ेगा, बिकॉज देर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसको उसको कंसिडर करना पड़ता बिफोर दे रिड्यूस द रेट. यू सी, इवन दिस 25 बेसिस पॉइंट्स रिडक्शन आई थिंक इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि लास्ट ईयर आप इन द फुल ईयर 125 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस हुआ था. आई हैव सीन द आरबीआई गवर्नर डज नॉट रिड्यूस लार्ज सम्स एट अ टाइम, और थोड़ा थोड़ा करके साल में वो करता है. मेरा उम्मीद है इस साल 125 से ज़्यादा कम होगा, क्योंकि ऑल जो पैरामीटर्स होता है सभी अभी ठीक है. सो आई एक्सपेक्ट दैट इट विल बी मोर देन 125 दिस ईयर. ओके, सो डू यू थिंक दैट बैंक मस्ट पास ऑन दिस? इनकी अपेक्षाएं जो है वो बहुत ज़्यादा है. कह रहे अभी देखिए अजय, हम ये जो सारी बातचीत कर रहे हैं, आई थिंक अल्टीमेटली जो हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट एक ही है कि भाई ये जो रेट कट्स हो रहे हैं इसका ट्रांसमिशन कब तक होगा, और उस ट्रांसमिशन का कॉरपोरेट जगत पर और हमारे अर्निंग्स पर, नंबर्स पे कब तक पड़ेगा. इस बीच आइए फाइनेंस सेक्रेटरी कर आप देखें पॉलिसी के बाद कुछ बोल रहे हैं, आइए उसको सुनते हैं. वी हैव ऑलरेडी हाइलाइटेड दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी विल सिग्निफिकेंटली ब्रिंग डाउन द ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स एंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. सिमिलरली द इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो, वी आर लुकिंग एट अ लो इंटरेस्ट रेट रिजीम so that there is more investment both in manufacturing, infrastructure and in other areas. As you are aware, government has already kept the fiscal deficit under control, 3.9% in 15-16 and 3.5% is the target for 16-17. Inflation is low. RBI has projected an inflation of about 5% for next year. Government has also reset the small savings rates. And so under these circumstances, the RBI's announcement of 25 basis points is therefore in line with the direction in which government would like the economy to move. And the banks have also, some of the banks have already reset their interest rates, taking into account the marginal cost of lending, the MCLR. They have taken that into account and done some amount of reduction of rates. Consequent to all these measures and consequent to the RBI's announcement today, the banks will perhaps need to do some more of transmission of the reduction in the policy rates by the RBI. Thank you. चलिए इस बीच अब कुछ और बड़े आउटलुक्स के बारे में बात करते हैं. हमारे साथ मिस्टर श्रीकांत वदलामणी मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज के. मिस्टर वदलामणी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है. सर, एग्जैक्टली अगर आप देखें पोस्ट बजट, बजट के बाद इस पॉलिसी से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, मार्केट्स ने 50 बेसिस पॉइंट के कट की भी एक्सपेक्टेशन बना के रखी थी, बट फाइनली वी गेट 25 बेसिस पॉइंट कट. आपकी प्रतिक्रिया सर इस पर? आई थिंक द पॉलिसी इज कंसिस्टेंट विद व्हाट द आरबीआई हैज बीन गाइडिंग. द की फोकस हैज बीन ऑन ट्रांसमिशन रादर देन एनी मीनिंगफुल रेट कट, बिकॉज आरबीआई हैज बीन टेकिंग सम टाइम that the transmission has been much lower than the existing record itself. So in that sense, I think the current policy decision is consistent with what they're saying. They have affected a rate cut, and they also indicated that they believe the transmission will be much better. And the transmission of older rate cuts also should come through going forward.
Mr. Vatlamani, in fact, RBI has made it very clear that further monetary policy decision will be driven by the outcome of the monsoon. It will be driven by the monetary policy transmission. So, the very first thing is, what will be the likely cut from here on for the remaining calendar year? I think a reading of the policy statement indicates that, in a sense, RBI is guiding to two things. Mm-hmm. One, it is saying future policy rate cuts will be data dependent, mm-hmm. although they have been explicit that the monetary policy will continue to be accommodative. Mm-hmm. That is number one. Mm-hmm. The second point is, again, they feel that the older policy rate cuts have still not passed through. Mm-hmm. So I think they believe they would want to see the impact of that first. Mr. Shrikant, जो आप बात कह रहे हैं कि ट्रांसमिशन अभी ओल्डर कट्स का भी नहीं हुआ है, मिस्टर गवर्नर ने भी यही बात कही कि अब जब हम लिक्विडिटी इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कि अब जो ट्रांसमिशन होंगे वो ज्यादा तीव्र होंगे, ज्यादा तेज होंगे, ज्यादा पेसी होंगे. सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एग्जैक्टली इन ट्रांसमिशन का, इन रेट कट्स का आप अर्निंग्स पे इम्पैक्ट कब तक देखते हैं? आई मीन by the second quarter of this fiscal, by the third quarter of this fiscal, exactly your outlook on this? I mean, I think if I look from a banking system perspective, and the key issue from a banking system perspective is basically the asset quality in terms of some of the large corporates. Okay. Mm-hmm. There, our view has been, and it remains, that while the rate cuts are definitely helpful, they are not really game changers. So the simple reason that the source of the asset quality problem is a balance sheet problem. There is too much leverage, and given the mountain of debt that is there, some reduction in interest rates would help, but it would not really change the view on asset quality. So the rate from an asset quality perspective, the rate cuts are definitely positive, but it's not a game changer. Okay. श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, अपनी राय रखने के लिए. और उसी के बाद चलिए मार्केट्स पे थोड़ा सा फोकस करते हैं. निफ्टी एक्जैक्टली क्या कर रहा है, अगर आप देखें निफ्टी, और इनफैक्ट एक बार मैं निफ्टी को देखना चाहूंगा. 67 अंक नीचे 769. देखिए पॉलिसी के बाद जरा प्लीज इंटरडे चार्ट्स पे आइए. दो बार हमने एक डिप लिया, दो बार हम 7650 की ट्रेजेक्टरी तक गए और दो बार वहां से पुल बैक लिया हमने. अगर आप देखें ऑलमोस्ट दो बार. खैर अजय, एग्जैक्टली आई मीन जो प्रश्न मैं पूछने वाला था, अल्टीमेटली मैंने श्रीकांत से भी वही प्रश्न पूछा. आई मीन दो चीजें हैं, आप अर्निंग विजिबिलिटी को देखिए, अर्निंग्स पर इस ट्रांसमिशन का इंपैक्ट कब तक होगा, आप क्या मानते हैं वो एग्जैक्टली कौन सा क्वार्टर होगा जब आपको शायद इस ट्रांसमिशन का इनकम रेट्स का थोड़ा सा फायदा नजर आने लगेगा, या फिर उससे पहले बाजार कुछ और तलाशने की कोशिश करेगा? और आई मीन अगर रिकवरी पाथ जिसका सबसे ज्यादा बिलीवेबल लग रहा है आपका, वो किसका लग रहा है आपका? आपको लग रहा है बैंक्स का लग रहा है, मेटल्स का लग रहा है, ऑटोज का लग रहा है, किस पे ज्यादा विश्वास है आपका इस वक्त? जी, ये बहुत बहुत अहम सवाल है वीरेन, क्योंकि ओवरऑल देखिए तो मार्केट बहुत तेजी से भाग गया लिक्विडिटी पे. फॉरेन इन्वेस्टर्स का इतना जो 22,000 करोड़ मार्च में इनफ्लो आया, उसके चलते मार्केट आगे भागा था, कोई फंडामेंटल कारण नहीं था. दूसरा, मार्केट ने बहुत एक्सपेक्टेशन लगाए हुए थे आज के मॉनेटरी पॉलिसी पे, वो थोड़े बिलाए हुए हैं. वो हम कहते रहे कि ये ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो रहे हैं, क्योंकि इतना हाथ बंधे रहते हैं आरबीआई गवर्नर के, उनका जो पहला फोकस है इन्फ्लेशन की कमर तोड़ना है. और इन्फ्लेशन 5% से कम करनी भारत जैसे देश में, जहां एपीएमसी है, बहुत और चीजें हैं, पेचीदा मसले हैं, बहुत मुश्किल है. और वही उन्होंने आज कहा कि 5% से कम हमारे लिए मुश्किल है. मुझे नहीं लगता और रेट कट इस साल में रहेगा मुमकिन. ये हम ऐसे मिराज ही देख रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि यहां से और 50 पैसा रेट कट आएगा, मेरे को नहीं लगता इस साल रेट कट आएगा. अब इसके बाद आपको क्या देखना है? अभी तो बिकवाली है, यह अच्छा मौका है आपको चेरी पिक करने का स्टॉक्स. आईटी देखें, आईटी गिर रहा है, आईटी का कुछ लेना देना नहीं है डोमेस्टिक इकोनॉमी से. फार्मा जिस तरह से गिरा है, वो यूएस एफडीए के चलते गिरा है, वो ओवरडन हो रहा है. ये दो सेक्टर रहेंगे. तीसरा, ऑटो में रिकवरी जारी है, वो एक मैक्रो लेवल पे जारी है. मेटल से मैं कहूंगा दूर रहिए, मेटल्स चीप हैं बहुत. हम कह सकते हैं कि मेटल्स में जितनी बिकवाली होनी थी हो गई, किसी को पता नहीं. आज सवेरे भी जिस तरह से मेटल्स ग्लोबल मार्केट में गिरे, आप बिल्कुल इसमें नहीं आ सकते. मैं कहूंगा मेटल्स से दूर रहिए. बोलिए दीपाली जी.
इनफैक्ट अब हमारे साथ मिस्टर सौम्यकांति घोष भी मौजूद हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। मिस्टर घोष, जिस तरह की प्रोजेक्शंस थी उसी पैरामीटर पर आउटकम्स निकल कर आए हैं, और इम्पोर्टेंट ये था कि ग्रोथ और साथ ही साथ लिक्विडिटी कंसर्न्स को आरबीआई गवर्नर एड्रेस करे, और उस तरह का स्टांस उन्होंने अपनाया भी है। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं लिक्विडिटी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। जो कदम उठाए गए हैं उनसे कितनी मदद मिलेगी बैंक्स को अपने लिक्विडिटी सिचुएशन इम्प्रूव करने में? देखिए, जो पॉलिसी में जो स्टेप्स ले गया है लिक्विडिटी के, वो काफी अच्छा पॉजिटिव है, क्योंकि अभी सिस्टम डेफिसिट से न्यूट्रल में जाएंगे। उसका मतलब जो 1 लाख करोड़ का करीब डेफिसिट था उसको आरबीआई विल एंश्योर कि वो सिस्टम ड्यूरेबल लिक्विडिटी सिस्टम में आ जाए। और पास्ट एक्सपीरियंस भी आप देखें, जब भी ऐसे कदम उठाया गया तब भी मनी मार्केट में जो यील्ड्स है वो काफी कम हुआ। तो मुझे लगता है कि इसमें जो मनी मार्केट में जो यील्ड्स है उसमें काफी अच्छा ट्रांसमिशन होगा, एंड ओवर ऑल पॉइंट ऑफ टाइम जब बैंक डिपॉजिट रेट घटाएंगे तब उसको बैंक्स का भी जो लेंडिंग रेट है उसमें भी कम होगा। तो ये सब देखते हुए आई थिंक लिक्विडिटी स्टेप्स ट्रांसमिशन के लिए काफी अच्छा है, और ये सिस्टम को हेल्प करेंगे इन द फ्यूचर। देखिए मिस्टर घोष, एग्जैक्टली अगर आप देखें हमारे व्यूअर्स या फिर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वही जानना चाहते हैं, जो लिक्विडिटी है इस वक्त और जो ये रेट कट्स हुए हैं, इसके बाद एग्जैक्टली आपको लगता है क्या है शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से विद इन द, आई मीन आई नो ये आपकी भी एल्गो कमेटी की बैठक होगी, आप एसएस लायबिलिटी कमेटी रिव्यू करेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में कितना ट्रांसमिशन और कितने कट्स पॉसिबल है बैंक्स के द्वारा? देखिए ये तो बोलना मुश्किल है, लेकिन आपने अगर पता है कि ये ट्रांसमिशन ऑलरेडी हो चुका है मॉनेटरी पॉलिसी के पहले ही, एमसीएल रेट सारे आपने जो देखा है उन्होंने बैंक को रिड्यूस किया, सारे बैंक को उनका लेंडिंग रेट को रिड्यूस किया। आगे चलते जो नया जो प्रोविजन आए उसको हर महीने उसको रिव्यू होगा, रिव्यू के चलते जैसे ही रिव्यू होगा और सारे उसको जो फैक्टर्स अभी आज जो पॉलिसी अनाउंसमेंट हुआ ये भी रिव्यू होगा, उससे उससे चलते आगे डिसीजन होगा कैसे रेट्स को हम बैंक एडजस्ट करेंगे। सर घोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, अपने ध्यान रखने के लिए। एंड अनंत, फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम यू, आई मीन इज दैट हाउ मच डाउनसाइड और अपसाइड यू आर फ्रॉम, आई मीन फ्रॉम करंट लेवल्स ऑफ 7700 यू आर एक्सपेक्टिंग इंडियन मार्केट्स इन शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव और माइट बी फ्रॉम मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव? I don't have index targets. I don't work that way. I think the truth is Indian markets have a better potential now after the fact that some improvement in cyclical indicators are coming through. India had a bad financial markets last year. And with the expectations of a good monsoon coming through and the RBI signaling continued monetary policy accommodative stance, I think chances look good. The important thing is to see how sustainable and how big the reduction in bond market yields is. If that continues and if the supply coming from Uday bonds, etc., do not crowd out the market, as long as bond yields can maintain their downward trajectory, then I think the prospect for stock market looks quite good. ओके अनंत, थैंक्स वेरी मच जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और चर्चा में शामिल हुए और अपनी राय रखी आपने। इस बीच करीब 7684 पर निफ्टी, एक बार प्लीज़ जरा निफ्टी बैंक पर आइए, अगर आप प्लीज़ एक बार निफ्टी बैंक पर आइए, निफ्टी बैंक एग्जैक्टली क्या कर रहा है अगर आप देखें उसको देखने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें करीब 15939 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, मिस्टर रजनीश कुमार, एमडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। मिस्टर कुमार नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर पहली चीज़ तो आई मीन जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, नमस्कार, जी जी, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक ये पॉलिसी रही, और सर एग्जैक्टली हम सब के सब, आई मीन चाहे वो बाजार हो, चाहे वो बैंकर्स हो, चाहे वो आरबीआई है, वो एग्जैक्टली चाहती है कि सर डाउन द लाइन 3 महीने 4 महीने 6 महीने जो रेट कट प्रोसेस है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो। क्या इस पॉलिसी के बाद वो रेट कट की प्रोसेस जो है वो आपको स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है? देखिए इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री पर है, सारे इंडिकेशंस जो भी आरबीआई ने आज मॉनेटरी पॉलिसी में दिए हैं उनका इंडिकेशन यही है कि गोइंग फॉरवर्ड आपके जो इंटरेस्ट रेट से वो कम होंगे। अभी कितने कम होंगे उसका एक सर्टेन बेसिस है, फॉर्मूला है, और उसके लिए एमसीएलआर रेजिम में पहले बैंकों को डिपॉजिट रेट कट करने की संभावना देखनी होगी। अभी डिपॉजिट की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम हो गया था, और उसके कई कारण थे, बिकॉज देर आर मैनी ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें भी पैसा चला जाता है। तो जब बैंक की ये एल्को कमेटी की मीटिंग होती है उसमें सारे फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है जी। कि क्रेडिट डिमांड क्या है, डिपॉजिट डिमांड क्या है, और डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट कट करने की हरेक बैंक की क्या क्षमता है। भारतीय स्टेट बैंक के इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट पे हम लोगों ने पिछले एक साल में ऑलरेडी काफ़ी कम कर दिए थे,
और उसके बाद जो उसका MCLR पे इम्पैक्ट था 1 अप्रैल से जो हमने रेट्स अनाउंस किए थे, सो उसमें ऑलरेडी दैट डिपॉजिट रेट कट वो फैक्टर हो चुका है। अब आगे कितना हम लोग डिपॉजिट रेट कट कर पाएंगे और कितना MCLR में कट होगा इस पर विचार हो। जी राजीव जी, लेकिन क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट का कट हुआ है और लिक्विड और इस ट्रांस रेट कट के ट्रांसमिशन को लेकर बातें काफी हो रही है, मिस्टर गवर्नर ने भी कहा। इनफैक्ट इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, दैट रियली इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन नाउ इज टू एम्प्लीफाई द पॉलिसी एक्शंस दैट वी हैव अंडरटेकन। एज वी डू सो वी बिलीव दैट वी विल प्रोवाइड द बूस्ट टू द इकॉनमी दैट इट नीड्स। वी ऑब्वियसली हैव टू वेट एंड सी व्हाट हैपेंस विद द मॉनसून एंड विद उसके बाद जो कहानी खराब हुई वो एनपीएस के इश्यूज से आई, बैड लोन से कहानी खराब होती हुई नजर आई, कुछ कॉर्पोरेट्स अगर आप देखें बैकफुट पे आ गए। मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ सर कि जो आपके डिसबर्समेंट्स हैं बीते 3 महीने में 4 महीने में वहां कैसी ग्रोथ रही है, और क्या थोड़ा सा जो बैंक्स बैकफुट पे आ गए थे उनका थोड़ा सा मोराल डाउन हो गया था, अभी एग्जैक्टली डाउन द लाइन, आई मीन 3 महीने 6 महीने 9 महीने, मैं अगले 3 क्वार्टर्स की बात कर रहा हूँ सर, क्रेडिट ऑफटेक को लेकर आपका आउटलुक क्या है? क्या क्या बैंक्स थोड़े से कॉशियस हो गए हैं डिसबर्समेंट्स को लेकर, या फिर नहीं जो कारोबार है जो ट्रेजेक्ट्री है डिसबर्समेंट्स की वो नॉर्मल पे लौट रही है धीरे धीरे अब ग्रेजुअली? नहीं देखिए, जो आपने इस चीज़ का जो कॉर्पोरेट्स का और डिफॉल्ट्स का जिक्र किया, लेकिन बड़े बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसमें आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि एक बहुत बड़ा हिस्सा बैलेंस शीट का वो रिटेल और कंज्यूमर फाइनेंस और होम फाइनेंस में, और उस सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने में आई है पिछले 1 साल में। कॉर्पोरेट लेंडिंग में जो मैनेजमेंट की बैंडविड्थ है उसकी अटेंशन डेफिनेटली स्ट्रेस्ड एसेट्स को डील करने में है, लेकिन इसका कहीं कोई ये तात्पर्य या वो नहीं निकालना चाहिए कि अगर कोई भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं या अच्छी लैंडिंग की अपॉर्चुनिटीज हैं तो उसके लिए बैंक्स पैसा नहीं देंगे। मुझे लगता है कि ये निष्कर्ष निकालना बिल्कुल उचित नहीं है। जहाँ तक कॉशन का सवाल है, तो आप अगर आपको लगता है कि पास्ट में एनालिसिस करने में कोई वीकनेस रही है अप्रेजल में या सेंक्शन में, तो उसको प्लग इन करना वो तो लाजमी है और वो बैंक्स कर भी रहे हैं और आगे करेंगे भी। लेकिन जहाँ तक क्रेडिट का आउटलुक है, अगर डिमांड आती है तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सिस्टम सक्षम है उस डिमांड को मीट करने के लिए। जी राजीव जी, जिस तरह से आपने कहा कि बैंकों ने अब तक ट्रांसमिट किया है और आगे भी ट्रांसमिशन करेंगे, अब सवाल ये है कि जो ये 25 बेसिस पॉइंट का कट आया है इस कट में से कितना ट्रांसमिट बैंक की ओर से हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या नजर आ रही है? हालांकि आपने कहा कि एल्गो मीट डिसाइड करेगी, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है इस 25 बेसिस पॉइंट कट में से 15-20 बेसिस पॉइंट का पास ऑन हो सकता है? कब मीटिंग होनी है, इस बारे में कुछ आइडिया दे पाएंगे? MCLR के लिए अभी प्री डिटरमिन्ड डेट्स हैं, नेक्स्ट 12 मंथ्स की डेट्स जो है दे आर प्री डिटरमिन्ड, तो उसी को ध्यान में रखते हुए MCLR का अनाउंसमेंट होगा, जो भी हमारा डेट अप्रैल में 24th या 23rd अप्रैल वॉट एवर इज द डेट, उसी में उसको रिव्यू करके अनाउंसमेंट होगा। जहाँ तक ट्रांसमिशन का सवाल है, की डिफरेंस आपको समझना होगा कि पहले जो बेस रेट था उसमें मैच्योरिटी से कोई लिंकेज नहीं था, लेकिन अभी जो MCLR रिजीम है उसमें मैच्योरिटी भी बिल्ट इन है। पहले भी अगर मेरे को 3 महीने का लोन देना है मैं बेस रेट से कम नहीं दे सकता था, पर आज की तारीख में मेरा 3 महीने का जो MCLR है वो 1 साल के MCLR 6 महीने के MCLR से डिफरेंट है, और MCLR के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसमें आपकी एवरेज बोरिंग कॉस्ट भी है और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी है, आपकी कॉस्ट हैं, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, सो कितना इम्पैक्ट आएगा तो दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड। बट एज आई मेंशन जो मैंने बोला कि इस समय जो इंटरेस्ट रेट है वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है, गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट कम होने की पूरी संभावना। जी मेरा जो दूसरा सवाल था सर एग्जैक्टली डिसबर्समेंट्स को लेकर, वो मैं इनफैक्ट यही पूछ रहा था सर मैं कि एग्जैक्टली बिजनेस एनवायरमेंट कैसा है। मैंने एक फ्रंट पे एक प्रश्न पूछ लिया, मैं दूसरा एग्जैक्टली ये पूछना चाहता हूँ सर कि जो डिपॉजिट रेट्स हैं वो आप लोग नीचे लाने में काफ़ी सक्षम रहे हैं, अभी लोअर रेट्स पे सर डिपॉजिट्स कैसे आ रहे हैं, लिक्विडिटी कैसी मिल रही है आपको, और
उस लिक्विडिटी और रेशोज को देखते हुए, आई मीन डिपॉजिट इसके रेशो को देखते हुए, अभी डाउन द लाइन 3 महीने 6 महीने में और डिपॉजिट रेट सर कहाँ जा सकते हैं, सो दैट मैं ये मान के चलूँ कि एग्जैक्टली जो बैंक्स के एनआईएम्स हैं वो इस क्वार्टर में या फिर अगले क्वार्टर्स में कैसे रहेंगे, मैं इसको लेकर आपका एक इंप्रेशन जानना चाहता था सर। जहाँ तक निम्स का सवाल है तो आपका जो एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट है उस पर बहुत निर्भर करता है कि आप अपनी एसेट लाइबिलिटी और डिफरेंट बकेट्स में जो मैच्योरिटी होती है एसेट्स की और लाइबिलिटी की उसको कैसे मैनेज करते हैं और किस तरह से अपना निम प्रोटेक्ट करते हैं। और निम जो है नॉर्मली जब आप बात करते हैं तो वो प्रोविजन से या क्रेडिट कॉस्ट से पहले निम की बात होती है, लेकिन एक चीज़ आपको ये भी देखना पड़ता है कि अगर आपका जो अगर क्रेडिट क्वालिटी इम्प्रूव होती है तो अगर मान लीजिए या बैंक का कोई स्ट्रेटजी चेंज होता है जिसमें कि वो बेटर रेटेड कॉर्पोरेट्स की तरफ लेंडिंग बढ़ाते हैं तो अगर निम पे भी फर्क पड़ता है, लेकिन दैट कैन बी कंपेंसेटेड बाय लोअर प्रोविजन कॉस्ट। सो ये एक अलग एंगल है। और जहाँ तक ग्रोथ का सवाल है, मार्च क्वार्टर में मुझे लगता है अच्छी ग्रोथ रही है, ये नंबर्स अभी सामने आएंगे और फिर ये सीजनैलिटी फैक्टर होता ही है। आप जानते ही हैं कि हमेशा क्रेडिट ग्रोथ सेकेंड हाफ में बेटर रहती है, फर्स्ट हाफ में थोड़ा कम रहती है। मैं एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा सर यहाँ से रजीश जी, पिछले जो भी रेट कट्स हुए हैं उस पर रिस्पॉन्स कहाँ बड़ा अच्छा आया है, किन सेगमेंट्स में आपके जो क्रेडिट ऑप्टिक्स हैं कहाँ बढ़े हैं काफ़ी अच्छे खासे, और आपको लगता है कि वहाँ ट्रांसमिशन ज़्यादा जल्दी होगा बजाय कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जहाँ जैसे हाउसिंग फाइनेंस है वहाँ उसको टिंकरिंग करने से पहले आप उन सेगमेंट में ज़्यादा टिंकरिंग करेंगे? नहीं, टिंकरिंग का तो कोई इसमें प्रश्न ही नहीं है। टिंकरिंग का जो आपका MCLR आ रहे है उसका तो फॉर्मूला रिजर्व बैंक ने सेट करा हुआ है, तो जहाँ तक हम लोगों की उसमें कोई मैन्यूवरेबिलिटी नहीं है कि जो फॉर्मूला के हिसाब से आपका डिराइव रेट आएगा MCLR, MCLR के ऊपर जो हमारा स्प्रेड है वो भी निर्धारित है। आज हम हाउसिंग लोन पे एक साल के MCLR पे हमारा 25 बेसिस पॉइंट का स्प्रेड है। अगर कल जो है MCLR एक साल का 9.2 की जगह स्टेट बैंक का 9.1 हो जाता है तो हाउसिंग लोन का रेट 9.35 हो जाएगा। तो जहाँ तक उसका टिंकरिंग का सवाल है, हम लोग कोई होम लोन का ऐसा नहीं है कि स्प्रेड फिर 25 की जगह 35 कर देंगे। तो जो रेट है हाउसिंग लोन का या एसएमई का या एग्रीकल्चर का वो डिराइव्ड रेट है, और अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम कोई स्प्रेड का चेंज कर रहे हैं। जी 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 सर, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ी अच्छी खबर आई थी आपके लिए, बैंकों के लिए, सभी बैंकों के लिए। मिस्टर माल्या जो है वो एक ऑफर लेके आए थे कि भाई मेरे से 4,000 करोड़ रुपए ले लो, और इस पर बातचीत कहाँ आगे बढ़ी सर, और बैंक जो है और SBI स्पेशली इस ऑफर को लेकर अब क्या राय रखता है, कुछ बताना चाहेंगे सर इसको लेकर? नहीं, इस बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। आपको 7 अप्रैल तक जबकि सुप्रीम कोर्ट में डेट है जिसमें बैंकों को अपना जवाब देना है, तो आपको शायद उस डेट का इंतजार करना होगा। जी, इनफैक्ट आशीष, जिस तरह के आउटकम्स आए हैं वो अनएक्सपेक्टेड लाइन है, लेकिन उसके बाद जो मार्केट में रिएक्शन आया है उसे आप कैसे देख रहे हैं? 90 पॉइंट्स नीचे भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से अब गोइंग फॉरवर्ड ट्रैजेक्टरी क्या हो सकती है, क्योंकि 7650 जिसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा था निफ्टी, अब उसको भी ब्रेक कर दिया, 7646 पर ट्रेड कर रहा है। जी, लाजमी था, जैसे हम कह रहे थे, पहले भी कहा था कि रेट कट के साथ ही शायद मार्केट पिक करते हुए दिखेगा, एंड द बिगेस्ट केयर विल बी 22 अप्रैल to 13 मई, जहां पे वापस बैंकिंग स्टॉक्स दिखाएंगे कि किस तरह से NPA स्लिपेजेस आएंगे, एंड दैट विल बी द मेन फैक्टर जहां पे हम बियरिशनेस लगा के रखें। दिस वॉज द परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द PSU बैंकिंग स्पेस, और हमारा अभी भी यही मानना है कि दिस हैज़ गिवन अस अ फर्स्ट ओपन कट, और नीचे में अभी जाने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है इन स्पेसिफिक बैंकिंग स्टॉक्स में, क्योंकि जिस तरह का NPA हम अमाउंट होते हुए देख रहे हैं फॉर दिस क्वार्टर, आई थिंक अच्छा यही होगा कि दिस हैज़ बीन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, यहाँ से आप एग्जिट कर लो, कट योर बैंकिंग लॉन्ग्स, गो शॉर्ट ऑन इट एंड वेट फॉर 10-15% विद द रिजल्ट। सो 10-15% जाने की गुंजाइश मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ वापस से इन सभी बैंकिंग स्टॉक्स पर। जी मिस्टर बग्गा, अब क्योंकि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स नीचे निफ्टी आ चुका है, अब सवाल ये है क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स थे जो कि पॉलिसी का वेट कर रहे थे, अब क्योंकि पॉलिसी का आउटकम सबके सामने है, रिएक्शन पर भी मार्केट में देखा गया है, अभी खरीदारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि जो प्रॉफिट बुकिंग आज दिख रही है वो यहां से थोड़ी और स्ट्रेच हो सकती है?
ये और स्ट्रेच होगी, दीपाली और बिकवाली आएगी इस मार्केट में, क्योंकि फंडामेंटल कुछ नहीं था मार्केट का, लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट था और DIIs कंटिन्यूअसली सेल कर रहे थे राइस में. हम कहते रहे कि ये सेल ऑन राइस मार्केट है, बाय ऑन डिप्स नहीं है, और वही अब प्रूव राइट कर रहा है. आपको खरीदना है तो हमें क्या अच्छा लगता है, टू व्हीलर अच्छा लगता है, सीमेंट अच्छा लगता है, IT और फार्मा, ये चार क्षेत्र आप देख सकते हैं. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कंज्यूमर फाइनेंस, NBFCs, ये देखे जा सकते हैं नए निवेश के लिए. बट अभी हमारा यही दृष्टिकोण है कि ये महीना अभी आपको मार्केट नीचे जाते ही दिखेगा, ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स मार्केट है, इसमें कुछ कैटलिस्ट नहीं है मार्केट को आगे बढ़ाने का, ये मार्केट नीचे जा रहा है. और रजनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, और रेट कट की प्रोसेस को लेकर और आगे की अगर आप देखें, दौर कैसा रहेगा उस पर अपनी टिप्पणी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में आने के लिए. इस बीच हमारे साथ मिस्टर मूर्ति नागराजन जुड़े हैं बात करने के लिए. मिस्टर नागराजन नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है. सर एग्जैक्टली पॉलिसी के बाद आपका आउटलुक क्या है सर? हम सारे के सारे लोग, इनफैक्ट मार्केट्स रिसर्च एनालिस्ट, चाहे वो बैंकर्स हों या फिर RBI हो, वो एक चीज़ को देखना चाहती है कि एग्जैक्टली रेट कट की प्रोसेस यहाँ से आगे कितनी स्ट्रॉन्ग रह सकती है और अगले 6 महीने में कितना ट्रांसमिशन होगा. एग्जैक्टली सर आपको क्या लगता है, आई मीन बैंक्स कितना पास ऑन करने में सक्षम रहेंगे इसके बाद? एक्चुअली अब RBI गवर्नर को जो उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट ईयर का भी जनवरी का इन्फ्लेशन टारगेट इज अराउंड 5.1 एज पर एस्टिमेशन, और उसके बाद वाला वो बोल रहा है कि 2018 में 4.2 है, और सेवेंथ पे कमीशन में ही सेइंग दैट अनदर 150 बेसिस पॉइंट विल बी एडेड, दैट हैज नॉट फैक्टर्ड योर सेवेंथ पे कमीशन. तो सेवेंथ पे कमीशन को ऐड करते हो तो आप 5.1 प्लस 1.5 ऐड करो तो आपको 6% प्लस 6.6 का इन्फ्लेशन नंबर आएगा. तो दिस इज एक्चुअली स्पूक द मार्केट, बिकॉज सेवेंथ पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन तो होगा ही, तो इन्फ्लेशन टारगेट को दे विल नॉट बी एबल टू अचीव. So that is the reason why market में, bond market में जब initial rally हुआ उसके बाद market has given lot of its gains. We think that 10 year will trade around 740 to 760 type of levels. And that's why बाकी market also has fallen, because the expectation going forward is that a further rate cuts will be very difficult for RBI to cut rates further. जी मिस्टर नटराजन, आपने कहा कि फर्दर रेट कट RBI की ओर से डिफिकल्ट होगा, लेकिन उन्होंने साफ आज इंडिकेशन दी है कि जो फर्दर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन होंगे वो मॉनसून के आउटकम पर ड्रिवन होंगे, साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कैसा होता है और साथ ही कोर इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री क्या होती है. अब तक जिस तरह के इंडिकेशन मिल रहे हैं मॉनसून को लेकर वो तो यही है कि सामान्य या फिर सामान्य से बेहतर मॉनसून रह सकता है. पल्सेस प्राइसेस जो है वो ऑलरेडी कंट्रोल में हुए हैं अब, तो जो सिचुएशन है इन्फ्लेशन फ्रंट पर वो थोड़ी कंफर्टेबल लग रही है. तो ऐसे में क्या मॉनसून सीजन के दौरान कोई रेट कट की होप करनी चाहिए, फिर पूरे कैलेंडर ईयर के लिए आपकी प्रोजेक्शंस क्या हैं रेट कटौती को लेकर? नहीं, अगर मॉनसून अच्छा रहेगा तो अगेन ही मेगी अनदर 25 बेस पॉइंट ऑफ रेट कट. बट तो एक्चुअली वो जो बोल रहा है कि सेवेंथ, वो जो व्हाट दे आर सेइंग इज दैट दे आर नॉट फैक्टर्ड इन द सेवेंथ पे कमीशन. वो पे कमीशन का तो इफेक्ट तो आएगा ही, वेदर इट विल नॉट कम नाउ और आफ्टर 6 मंथ, जब भी इंप्लीमेंट करेगा तो वो टाइम में वो इफेक्ट आएगा. So at that time the inflation of will be higher than is projected of 5%. So कितना room अभी बाकी है for him to cut rates is difficult to know. चलिए शुक्रिया मिस्टर नटराजन, समय दिया आपने जी बिजनेस को बातचीत की आज के सेशन में. हालांकि देखिए तो जो प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है मार्केट में उसमें सबसे ज्यादा बैंकिंग स्टॉक्स से पार्टिसिपेट कर रहे हैं. आशीष, बैंकिंग स्टॉक्स प्रिसाइसली PSU हो या फिर प्राइवेट बैंक्स हो, हमने बीते एक महीने में लोअर लेवल से काफी स्मार्ट रिकवरी इस पूरे ही स्पेस में देखी है, लेकिन आज जो प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है ये और स्ट्रेच हो सकती है, यहाँ से खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए PSU बैंक्स में या फिर अर्निंग सीजन का वेट करना चाहिए? जी जैसे मैंने कहा था, अगर आप एक महीना का नजरिया देखोगे तो आपको 20% अपसाइड दिखेगा और 3 महीना का नजरिया देखोगे तो स्टॉक्स अभी भी 20% डाउन है फ्रॉम लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स. और हमें अभी भी लगता है कि देर इज़ अ ह्यूज पेन दैट इज लेफ्ट इनटू द सिस्टम स्पेसिफिकली फॉर PSU बैंक, चाहे वो SBI हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो या इंडियन ओवरसीज बैंक हो, ये सब जो शार्प डेड कैट बाउंस देखने को मिला है, दिस आर गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज. मैंने पहले भी कहा था कि मौका और यही वो मौका है जहाँ पे आपको डेफिनेटली PSU बैंक से रीऑर्ग करके वापस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जाए, वहाँ पर भी ICICI को अवॉइड करें, एक्सिस को अवॉइड करें. आई थिंक द नेक्स्ट जेन बैंक्स दे आर डूइंग रिलेटिवली वेरी वेल, और वहाँ पे हमें लगता है कि चाहे वो
आईडीएफसी बैंक हो जो कि न्यू जेन बैंक है, वहां पे एनपीए की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि अभी जस्ट बैंक फॉर्म हुआ है, तो दैट कुड बी वन एरिया ऑफ कंफर्ट फॉर फ्रॉम आवर साइड इन दिस पर्टिकुलर स्पेस. अदरवाइज एचडीएफसी हमारा हमेशा टॉपिक रहता है, तो वहां पे जाए, वहां पे आपको अभी रिटर्न देखने को नहीं मिलेंगे. मैं वापस कहूंगा कि दिस इज नॉट फॉर रिटर्न पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव. बट जो बाकी सब में पेन हम देख रहे हैं सिस्टम में, वो कहीं ना कहीं रिजल्ट के साथ आते हुए दिखेंगे, जहां पे बहुत लोअर लेवल्स देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं. जी अजय, एग्जैक्टली अगर आप देखें कुछ एनबीएफसीज, कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कुछ बैंक्स जो कि बहुत बहुत मूव बड़ा दे चुके थे, जस्ट फॉर इंस्टेंस ऑफ दीवान हाउसिंग, ये स्टॉक देखिए मार्च फर्स्ट वीक में इसका प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 145, नाउ कोटिंग 190 ऑन द स्क्रीन एंड आफ्टर टचिंग ए हाई ऑफ 210. क्या इन पॉकेट्स में से पैसा एक बार के लिए बाहर निकाल लेना चाहिए? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं अगेन विरेन के ये मार्केट नीचे जा रहा है. ओवरऑल ये फ्रॉथ आ गया था कि आरबीआई कुछ करेगा, ये होगा. आप देखिए, सरकार ने डिलीवर कर दिया, फिस्कल डिलीवर हुआ, मॉनेटरी डिलीवर हुआ, दोनों तरफ से कुछ स्टिमुलस नहीं है इकोनॉमी के लिए. इकोनॉमी के चार पिलर रहते हैं, एक्सपोर्ट्स डाउन है, प्राइवेट कैपेक्स डाउन है, प्राइवेट कंजम्पशन अर्बन में ऊपर है, रूरल में डाउन है, और चौथा रहता है पब्लिक एक्सपेंडिचर. वो सरकार कर रही है बट वो बहुत लिमिटेड है. $2 trillion की इकोनॉमी में सरकार का कैपेक्स रहता है ढाई लाख करोड़ का, वो कुछ भी एक बूंद है. बिल्कुल, वो ज्यादा कर भी लें तो कुछ उस पर इतना इंपैक्ट नहीं आता इकोनॉमी पे. तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कैटलिस्ट नहीं है मार्केट के लिए, फंडामेंटल्स खराब है. 15 तारीख से अर्निंग्स आते हैं, इसमें आपको डिफेंसिव सेक्टर्स में रहना है, जो ग्लोबल लिंक्ड सेक्टर्स है उनमें रहिए, वो उसमें बेटर रहेगा, ये मार्केट नीचे जाएगा. इस बीच हमारे साथ मिस्टर पशुपति अडवाणी जुड़े हैं बात करने के लिए, उनसे बात करना ही है. अडवाणी सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है सर. एग्जैक्टली सर, इस दिन के लिए ही, इस दिन को देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए बाजार लगभग 11-12% चल गया सर. पोस्ट बजट 6825 का इंडेक्स आज 7700 की ट्रेजेक्टरी में खड़ा है, और इस पॉलिसी के बाद जो एक्सपेक्टेशंस थी उतना तो आ गया, लेकिन एक्सपेक्टेशन का हायर एज था, 50 बेसिस पॉइंट का कट, वो नहीं आया. आपको क्या लगता है सर कि एग्जैक्टली मार्केट्स का इस पॉलिसी के बाद रिएक्शन कैसा होगा? कुछ तो रेट कट हुआ है ना, 0.25 तो हुआ है, वो तो सब मार्केट ने प्राइस किया हुआ था. तो हमारा गवर्नर रघुराम राजन ने मतलब थोड़ा सा बूंद दिया है, पर वो बूंद में से मतलब अभी पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट को मतलब आगे बढ़ना चाहिए, फिर वो एक और बूंद दे सकते हैं. ही इज डेफिनेटली ए फॉलोअर, वो लीडर नहीं है, वो फॉलोअर है. और उसने कहा कि पहला फिस्कल स्पेंडिंग को थोड़ा कंटेन करें और उनका बजट बनाएं, और ये यूरोप का जो जितना लायबिलिटी है उसका भी जरा बजट बनाएं, फिर वो रेट कम करेगा. दूसरी बात है कि हमारा रुपी को भी डिफेंड करना है, अभी उसने 68.5 से 66 तक लेके आया है. रेट कट ज्यादा हुए तो वो भी मतलब वापस जाएगा 68 के आसपास, तो हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए भी खराब है. तो वो ठीक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है और सबके साथ कर रहा है, तो अच्छा काम कर रहा है हमारा गवर्नर जी. लेकिन मार्केट में जो रिएक्शन है वो स्टीप है, 100 पॉइंट से ज्यादा की वीकनेस अभी भी निफ्टी में देखी जा रही है, 113 अंक नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है निफ्टी. इनफैक्ट आशीष शुक्रिया आपका शो में शामिल हुए, आप मार्केट्स पर पॉलिसी पर आपने कमेंट्स आपने शेयर किए. मिस्टर बग्गा, इनफैक्ट आपने अपनी चॉइसेस बताए थे, आपने कहा था कि बैंक्स में, सीमेंट स्पेस में, फार्मा स्पेस में एक्सपोजर लिया जा सकता है, लेकिन मैं एक रियल स्टेट स्टॉक्स पर भी आप कमेंट्स लेना चाहती हूं, क्योंकि ये एक ऐसी पॉकेट रही है जो बीते एक महीने में काफी बजिंग रही है. अच्छरदारी हमने ज्यादातर रियल स्टेट स्टॉक्स में देखी है. आप क्योंकि आरबीआई की ओर से रेट कट हुआ भी है, ट्रांसमिशन की भी यहां पर बातचीत हो रही है, तो क्या फर्दर जो ट्रेडिंग स्विंग्स हमें मिले हैं बीते एक महीने में वो आगे भी मिल सकते हैं? दीपाली देखिए, ये बहुत ही हाईली लेवरेज स्टॉक्स रहते हैं. दो तीन अच्छे कंपनियां हैं जिनके मैनेजमेंट अच्छे हैं, बट बाकी सब इतने अच्छे मैनेजमेंट भी नहीं है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर का ख्याल नहीं रखते. 7-8 साल के नजरिए से आप देखिए तो ह्यूज वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुई है इस सेक्टर में. तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा निवेशक को रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लगाने के लिए. उसके लिए आपके दो आपके पास दो विकल्प हैं. एक, आप खुद मकान खरीदिए, वो बेटर है, आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा. दूसरा, आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां वो खरीदिए. ये दो आप देख सकते हैं. रियल एस्टेट अगर आप बुलिश हैं तो रियल एस्टेट कंपनियां मत खरीदिए.
मिस्टर अडवाणी, एग्जैक्टली आपको इस वक्त अच्छा क्या लगता है? जैसे कि आप कहते हैं कि ये पॉलिसी अच्छी है, कोई बड़ा डाउनसेट बाजार में है नहीं यहाँ पर, तो खरीदना क्या चाहिए इस वक्त? बैंक्स, मेटल्स, कमोडिटीज या फिर आईटी, क्योंकि रिजल्ट सीजन बहुत बहुत नज़दीक है, 15 तारीख को इन्फोसिस के नतीजे भी हैं। सर, आप इंटरेस्टेड कहाँ पर हैं? आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या अच्छा लगता है, कहाँ अच्छा लगता है इस वक्त? हम लोग को तो रिस्क लेना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंडिंग होगा और ये साल में शुरू होगा। हमारे नए रोड्स बन रहा है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहा है, प्रेशर है इंडस्ट्री पे। तो मैं लगता है समझो सीमेंट इंडस्ट्री में ले सकता हूँ, मुझे सेकेंड टियर सीमेंट कंपनीज अच्छे लगते हैं, उनका भी वैल्यूएशन कम है और उनका टेक ओवर भी हो रहा है, तो वो सेक्टर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो सीमेंट तो इम्पोर्ट तो नहीं भी कर सकते, तो सबसे अच्छा तो वो देखना चाहिए। पर वो काफी उनको भी काफी मार लगा है ये साल में, क्योंकि सब कुछ स्लो डाउन हुआ है, पर वो झट से जब ये चलेगा तो चल जाएगा अच्छे से। ओके, नहीं सर, आपने ये अच्छी बात की कि सीमेंट्स में आपको बहुत इंटरेस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन सर एक चीज़ ये भी है मिस्टर अडवाणी कि कभी कभार प्रॉफिट जनरेट करने से ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि हमारे जो अभी हमारे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट्स हैं हम उसको सरेंडर ना करें, एटलीस्ट उसको लॉक कर लें, क्योंकि सर बैंक्स में हमारे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है। मार्च के फर्स्ट वीक में जो लोग एंटर कर पाए थे बैंक्स में या फिर फरवरी के मिड में, वो अच्छे खासे ट्रेडिंग गेंस में और प्रॉफिट से बैठे हैं। क्या सर उनको एक बार निकलना चाहिए बाहर बुक करके, या फिर अभी अपने उन ट्रेड्स को या फिर उन इन्वेस्टमेंट कॉल्स को होल्ड रखना चाहिए? नहीं, आप समझो मीडियम टर्म में देखें, मुझे लगता है कि ये जो प्रोग्राम जो रघुराम राजन ने शुरू किया है ये मतलब रियलाइजेशन के लिए और डिफॉल्टर्स के पीछे जाने के लिए, उसमें मुझे लगता है ये साल डेढ़ साल में काफ़ी सेटलमेंट होगा और फिर बैंक्स के बैलेंस शीट सब मतलब समवॉट क्लियर, ट्रांसपेरेंट और क्लियर हो जाएगा और फिर बैंक्स के अपॉर्चुनिटी काफ़ी होगा। जब आपको समझो आप लिया है, आप निकल सकते हो और वापस भी ले सकते हो, पर मुझे लगता है ये तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में तो ठीक लग रहा है। मिस्टर अडवाणी, अब आरबीआई पॉलिसी का आउटकम सबके सामने है, लेकिन अब जो अगला ट्रिगर होगा मार्केट्स के लिए वो अर्निंग सीजन होगा। इस बार के अर्निंग सीजन को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? क्या अर्निंग डाउनग्रेड इस बार भी रह सकती है या फिर कुछ ग्रीन शूट्स की भी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? नहीं, इस पे अर्निंग्स में ग्लोबली सबके अर्निंग्स कम होने वाला है, हम लोग सब देख रहा है जो भी कैलेंडर पे है उसका जनवरी फरवरी अर्निंग्स भी अच्छा नहीं था, हमारे लिए भी समझो 5-10% कम होगा, 20% हो सकता है काफ़ी कंपनीज में, तो सारे के सारे अर्निंग्स डाउनग्रेड हो रहा है मार्केट में ना, उसके मतलब लोग अब तक स्टॉक्स लेंगे मतलब फिलोसॉफिकली तो लेंगे, उसका समझो 16 PE अभी 18 PE हो जाएगा और उसके ऊपर चल जाएंगे। ठीक है, इस बीच क्या थोड़ा सा इशू को चेंज करते हैं, जरा एक बार प्लीज़ FMCG में आइए। एग्जैक्टली FMCG क्या कर रहा है, 325 के स्तर पे है आपका ITC और HUL भी अगर आप देखें मोर लेस इसी ट्रैजेक्टरी को होल्ड कर रहा है आपकी स्क्रीन पर 872 के स्तर पे। ये आइडिया, अभी कुछ देर पहले आप जिक्र कर रहे थे अजय कि थोड़ा सा अपने आप को लिक्विडेट करना चाहिए इस वक्त, थोड़ी सी प्रॉफिट बुक करके कैश में अपने आप को थोड़ा सा ले आइए, कैश इज किंग, या फिर रादर देन आप अपने आप को थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ लेके आना चाहेंगे? HUL, ITC, डाबर, मेरिको, इन द फार्मा स्पेस आपने काफ़ी हैवी रिट्रेसमेंट्स देखे हैं ल्यूपिन में, डॉक्टर रेड्डीज में, सन फार्मा में, नेटको फार्मा में, आप क्या अपने आप को शफल करना चाहेंगे थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ, वो बेटर आइडिया है या फिर कैश बेटर आइडिया हुआ है इस वक्त? कैश बेस्ट आइडिया है वीरेन, क्योंकि कैश ऐसे माहौल में आप गलत नहीं हो सकते, कैश में मार्केट भागने नहीं वाला कहीं, ये मार्केट 8 सालों में इस मार्केट ने 3% रिटर्न भी नहीं दिया है, जो 21,000 का आंकड़ा था 2008 जनवरी में, 8 साल के बाद आप 25,000 पे हैं, तो आप कहीं भागने नहीं वाले इस मार्केट में, कुछ ऐसा कैटलिस्ट नहीं है, इतनी ह्यूज इकोनॉमी है, जो रिफॉर्म प्रोसेस रहा है वो बहुत ही इंक्रीमेंटल रहा है, तो कैश तो सबसे बेहतर है, बट आप थोड़ा पैसा अपना एसेट एलोकेशन में इक्विटी में लगाते हैं उसमें मैं दो चीजें कहूंगा, एक ग्लोबल लिंकेज जो है वो सेक्टर्स में रही है जैसे IT फार्मा है, और दूसरा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है, और जहां पे हम लग रहा है पे कमीशन RBI कह रहे हैं कि पैसा आएगा मार्केट में, हम देख रहे हैं FMCG हमें अच्छा लगता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल अच्छा लगता है, इसकी अभी खपत होगी, बट इसमें जो इशू है कि अगर मानसून
ठीक नहीं आया तो ये भी गिर जाएगा. तो ओवरऑल इसलिए हम कहेंगे कैश बेस्ट है. दूसरा आप आईटी फार्मा देखिए और तीसरा एफएमसीजी, सीमेंट, टू व्हीलर्स, ये इस तरह के स्पेस आप देख सकते हैं. डेलो पर 104 अंक नीचे करीब 7653 पर कारोबार कर रहा है. अगर आप टूटने वाले शेयरों में इन पॉलिसी के बाद जिनकी चलते बाजार में गिरावट है, लूजर्स को देखिए एक बार. आपकी स्क्रीन पर दानी पोर्ट्स इंडेक्स लगभग 5% नीचे अब आ चुका है. आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय रेल, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रेट सेंसिटिव्स पर खासा मार पड़ी है. आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए, एसबीआई को देखिए, टाटा मोटर्स को देखिए, यस बैंक. तो गिरावट में आप देखें निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में ज़्यादातर आप देखें रेट सेंसिटिव्स हैं. लेकिन मिस्टर आडवाणी, एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा मिड कैप्स पर भी आपका आउटलुक चाहूँगा. पिछले 10-20 दिन में हमने मिड कैप्स पर काफ़ी अच्छा खासा मूव देखा है और कुछ सीजनल सेक्टर्स अगर आप देखें जो एक दौर चलता है, आते हैं, पैसा दे के जाते हैं, जो टाइम पे निकल गया, गुड बाय बोल के निकल गया, वो पैसा कमा के निकलेगा, बाकी अगर आप देखें स्टक फंस जाएंगे. शुगर को देखिए, अच्छा मूव दिया. उसके बाद आप देखिए लिक्विड स्टॉक्स में अच्छा खासा मूव आया है, लेदर स्टॉक्स में अच्छा मूव आया है. अभी सर आपको मिड कैप में, स्मॉल कैप में कोई इमर्जिंग स्टोरी या फिर कोई उभरता हुआ सेक्टर नज़र आ रहा है इस वक्त? ऑटो इंसुलिन ने पैसा कमा के दिया, मिड कैप फार्मा ने पैसा कमा के दिया, अभी कोई खास सेक्टर या फिर खास स्पेस मिड कैप में जिसकी प्रेजेंस काफी स्ट्रांग हो? मुझे लगता है कि मिड कैप बैंक्स पे रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसा कंसोलिडेशन हो रहा है ये दूसरा इंडस्ट्रीज में, जो आपने कहा समझो फार्मा, आईटी वगैरह, उसी में मिड कैप बैंक्स का भी चांस है कंसोलिडेशन के लिए. गवर्नमेंट ने कुछ प्लान फ्लोट किया है जो इनफॉर्मली चल रहा है कंसोलिडेट करने के लिए, सब छोटे छोटे बैंक्स में, 4-5 बड़े बैंकों में और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में. एक तो बड़ा डील हुआ है कोटक के साथ, व्यासा बैंक के साथ, और उसके बाद और भी समझो मार्केट में है जो कंसोलिडेट हो सकता है, क्योंकि आजकल बैंकिंग में टेक्नोलॉजी विनर है और आजकल नए प्लेयर्स भी आए जैसे पेटीएम, वो भी समझो बैंक खरीद सकते हैं. तो इसलिए वो बैंकिंग स्पेस में मुझे लगता है काफ़ी टेक ओवर्स होगा. तो आप वो स्टॉक्स लेंगे तो कुछ चांस होगा, क्योंकि उनका ब्रांचेस में कस्टमर्स है और वो कस्टमर्स को माइग्रेट करने के लिए, सबको कस्टमर एक्विजिशन के लिए पैसा दे रहा है. एक और चीज़, इनफैक्ट अजय, जो आपने कुछ देर पहले कही कि आप ऐसे सेक्टर्स को देखिए, ऐसे सेक्टर्स पे आप फोकस कर सकते हैं जिनका अभी कुछ हद तक कोरिलेशन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से है. आई मीन आपने आईटी का जिक्र किया. मैं अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा और आपके इस उसी उत्तर को थोड़ा सा और अगर आप देखिए ट्रिम कर दूँ, आप देखिए मिड कैप आईटी में कैसे डील क्रैक्स हो रही है, एमएड एक्टिविटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और देखिए माफ कीजिएगा, हर दौर में एक ऐसा स्टॉक आप पकड़ लीजिए, ऐसा आ जाए और ये कोई सेक्टर ऐसा पकड़ लीजिए जो अपने आप को स्मॉल कैप से मीडियम और मीडियम से अगर आप देखें लार्ज कैप में ट्रांसफर करने में सक्षम रहता है, और ऐसा कुछ नज़र आ रहा है आपको मिड कैप आईटी में अजय? जी बहुत बहुत आइडियाज हैं मिड कैप आईटी में, और बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि लार्ज कैप आईटी सारे मिड कैप आईटी को ओवर टाइम मर्ज आउट कर देगा. या तो स्टार्टअप बुटीक कंपनियां रहेंगी जो बिल्कुल कटिंग एज रहेंगी, या फिर लार्ज कंपनियां रहेंगी. ये मिड कैप आईटी बहुत मुश्किल एक क्षेत्र है, ना आपके पास स्केल है सर्वाइव करने का, ना आपके पास कटिंग एज, इतने छोटे हैं आपके, आप बिल्कुल स्टार्टअप की तरह आपके कॉस्ट हैं या आप कटिंग एज टेक्नोलॉजी में हैं. तो ओवरऑल एक अच्छा माध्यम है आपके लिए प्ले करने का ये M&A जो आ रहे हैं मिड कैप आईटी में, मिड कैप आईटी खरीद के. नहीं तो अगर आप ज्यादा कंजर्वेटिव हैं तो लार्ज कैप आईटी आप होल्ड करिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे और डॉलर रुपी का भी आपको फायदा मिलेगा. अभी डॉलर गिरा हुआ है बट ये भी रिवर्स होगा, करेंसी वॉर जिस तरह है, और हमारे यहाँ से सितंबर में लगभग 30-40 बिलियन डॉलर का FCNR आउटफ्लो होगा. RBI ने कहा है कि उन्होंने ऑलरेडी इसका बुकिंग करके रखा है तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, बट आप देखें जो RBI अभी रुपी को अप्रिशिएट करने दे रहे हैं, लग रहा है कि वो स्टरलाइज कर रहे हैं और डॉलर इकट्ठे कर रहे हैं, उसका आउटफ्लो कुछ टेक्निकल इंपैक्ट तो जरूर आएगा.
तो उस तरह से भी आप उसको खेल सकते हैं आईटी को. हमें लगता है कि रुपी डॉलर पे जरूर इम्पैक्ट आएगा. जी चलिए अजय बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. मिस्टर अडवाणी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. सभी सेक्टर्स पे पोस्ट पॉलिसी अपना आउटलुक आपने हमारे साथ शेयर किया. बहुत बहुत शुक्रिया.